अच्छा, लेजिक तू करा एडिट सकता है, कर, लेजिक तो मतलब ठीक है अगर तू कराएगा तो। एक ये होगा ना हाँ यार, ये चश्मे की पूरी इतनी झंझट है वो करने झंझट होता है बहुत ज्यादा। हाँ बहुत। प्रॉब्लम मैं भी सोच ये है रहा ना था कि ना कि कराऊं कराऊं कराऊं, बट हाँ, ये भी है ना लोग बहुत डरा देते हैं, बोलते हैं कि ना आंखों कलर ब्लाइंड हो का जाते हो। मामला है हाँ कलर ब्लाइंड भी तो यार। यू बोलते नो हैं, हो व्हाट, जाते यू हैं। नो व्हाट, आई एक्चुअली वाज थिंकिंग ऑफ गेटिंग दैट डन। पापा ने भी बोला था कि करवा लेना, करवा लिए ले सही रहेगा। मैंने बोला फिर आप, मैंने बोला आप भी करवा लो तो पापा हाँ बोलते मैं नहीं कि करा रहा, पहले मैं क्यों तू टेस्ट कराऊं। कर, पहले मैं बन तेरे पे जाऊं पहले टेस्ट किसी होगा। पे। नहीं उन्होंने, हाँ उन्होंने ये भी बोला था कि मैं करवाऊंगा तो मेरे ऊपर ना ज्यादा मतलब फायदा नहीं होगा, क्योंकि 3-4 साल। मैंने बोला यार 3-4 साल भी मायने रखता है, तीन तीन चार चार साल साल 5 साल मतलब तू समझ रहा है, मैं लेंस पहनना शुरू किया था एंड आई वाज लाइक, मेरे ना हाथ बार बार ना ऐसे जा रहे थे, चश्मा नहीं पहन रखा है मैंने, मैंने लेंस पहन रखा है, कांटेक्ट लेंसेज, लेकिन ना हाँ आदत हाँ हो गई है यार इसकी बहुत, है बहुत ना। ज्यादा। और जब हाँ भी मैं लेंस पहन रहा था, तब मेरे को पता लगा यार कि एक्चुअली मैं कितना और जो ये ज्यादा बोलते हैं फ्री ना, और महसूस ये जो करते हो। बोलते, और जो हरामी लोग बोलते हैं ना, ये जो भी बाबा ये जो भी होता है साले, कि भाई हाँ तो ये क्या बोलते, योगा करोगे और ये करोगे तो, या अच्छा खाना खाओगे, वेजिटेरियन, कुछ नहीं होता भाई उससे। मतलब योर आई साइड वुड नॉट साला वो लाइक करने से और खराब हो रही है आंखें। और खा। सही में यार मतलब मस्त ये है चिक। कि अब ये है ना कि जैसे मैं एक उसका रेफरेंस देता हूँ, वो कॉमेडियन नहीं है, क्या नाम है उसका, एक तो मैं आईपैड से कर रहा हूँ, मेरे को आई पकड़ना पड़ रहा अच्छा तो आईपैड से कर रहा है। अब है, मैं क्योंकि ना किसी ये क्या बोलते हैं, कॉमेडियन का अबे नाम कौन बता रहा था मैं, अरे कौन है वो, सा, अभी जो अभी फेमस हो गया था बहुत, क्यों भाई आ गया स्वाद ऐसे करके, उसका मीम नहीं है, अभिषेक, हाँ अभिषेक अभिषेक उपमन्यु। हाँ उपमन्यु। हाँ अभिषेक उपमन्यु। हाँ अब जी हाँ मैं अब नाम याद करने के चक्कर में मैं भूल ही गया मैं क्या बताने वाला उसका उसका नाम याद, मतलब उसका ये नाम सुन के मेरे को हंसी आती है, मेरे को लेकिन उसका दिमाग में एक वो बज जोक जाता है। था, उसका एक जोक था कि मतलब इंडियन पेरेंट्स के हिसाब से हर चीज, हर बीमारी का इलाज है कि सुबह उठ के, सुबह उठ जाओ, सुबह उठ जाओगे तो सब कुछ आंखें सही हो जाएंगी, सब सही हो जाएगा। वो बोलता है पापा मेरे को एचआईवी है, मैं तुम सुबह उठ के देखो तो यार, तुम सुबह उठ के देखो इंडियन तो। और ये सच्ची में है यार, मेरे पापा ने पेरेंट्स, भी कहा। इंडियन पेरेंट्स हैं, मौसी हाँ जी मेरे बोलते पापा हैं। कहते थे हाँ कि सुबह उठा अच्छा करो, ये करा करो वो करो, मैंने बोला यार अच्छा, और उसने जब ये पता है बात उनका ना, बोली तो मेरे को उनका लगा। उन मैं ना उनका समझ सकता हूँ, क्योंकि तू ये सोच कि तेरे को मतलब ये बेसिकली ये एक माइंडसेट है हर किसी के अंदर होता है। अगर मैंने मतलब आईआईटी, मान ले मैंने आईआईटी का एग्जाम वो कर दिया, ठीक है क्रैक कर लिया, और मैंने सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से पढ़ के, मतलब एक तरीके से सिर्फ मान ले मैंने बस रट के वो किया है, या फिर किसी मतलब कोई भी फील्ड किसी ने वो किया हो, मतलब सक्सीड किया हो किसी भी फील्ड में किसी भी हिसाब से, तो उसको लगता है कि यही एक तरीका है जो सबको अपनाना हाँ चाहिए बेसिकली। तो हाँ उनको लगता है कि अच्छा मैं अगर ऐसे सक्सेसफुल हो गया हूँ तो आई हाँ फील इसका और कोई तरीका है नहीं हाँ सक्सेसफुल होने का, सुबह तो ये उठो, बेसिकली। सुबह हाँ उठो मस्त भाई, अब तेरे जैसे भी तू है डैड भी तो सुबह उठाते थे ना, जब भी मैं आता भाई, था तुझे यार सबसे कुछ पता तो नहीं है। तुम्हारे घर का ट्रिप, हम मेरे को बस, मेरे को ना एक्साइटमेंट रहती थी कि यार मैं तुम्हारे यहाँ जा रहा हूँ, यार ठीक है अच्छा लगेगा, लेकिन एक ना सुबह माइंड सुबह उठने यार मौसा का जी ना यार सुबह सुबह उठाते हैं और ना तोरी सही की में। सब्जी खिलाते हैं, मैंने बोला यार क्या यार। तोरी की सब्जी तो भाई मैं तेरे को बताऊं, मेरे को ना तोरी, टिंडे, घिया, चल घिया एक बारी को वर्स्ट केस सिनेरियो न्यूट्रल हूं मैं उसके बारे में, ठीक है। अब तो मेरे को यार, सिर्फ मेरे को गोभी पसंद है, गोभी ठीक ठाक लगती है, भिंडी भी नहीं पसंद मेरे को तो अब।
सही में भाई, तेरे यहाँ पे आना बिल्कुल वो होता था मेरे को ना, एंजाइटी सी हो जाती थी यार, सुबह उठना पड़ेगा। और तेरे को पता, सुबह उठ के वो बुक रीड करवाते थे, बुक हाँ है ना, मैं वो क्या हो रहा है क्या हाँ यार, मेरे एग्जाम अभी खत्म हुए हैं। मतलब पता है कैसे क्या होता था कि हाँ क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि हमसे ही करवा रहे हैं, जो भी आ रहा है घर पे वो बच्चा खेलने आया है, भैंस बच्चे किया, को वो खेलना है, दादी ये वो पढ़ के देखा। साइड में कोई मतलब ये दादी मतलब बुढ़िया रहती थी, सॉरी वो जामुन लेने आई है, उससे भी पढ़वाए तू भी आ जा। नहीं मजाक कर रहा अच्छा हूँ, मजाक मजाक कर कर रहा रहा हूँ, हूँ मेरे को लगा इतना सही में नहीं किया भाई। नहीं अच्छा ये नहीं वही ऑब्वियसली है इतना भी क्या, नहीं। ये वही लेडी पता है है क्या, जिसको कार्तिक ने वो नहीं, नहीं है। नहीं ये तो नहीं है, अच्छा वो तो कोई और थी। वो तो वहां थी ना, तुम्हारे पहले सबसे पहले वाले उसमें घर हाँ में, वहां सही है अब यार। कार्तिक को तो, कार्तिक का तो बहुत सीन सही हो गया है, मतलब कार्तिक तो बिल्कुल लेट उठता है भाई, उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता। वही है यार, अब जब भी आप हाँ एक ग्रेजुएट हो जाते हो और जॉब वॉब मिल जाती है, तो हाँ एक ना माँ बाप भी बोलते हैं ठीक है यार, अब उसकी लाइफ है अपनी, है ना। हाँ और एग्जैक्टली हाँ तो यही है, ठीक है यार, पता लेकिन है, पता है मतलब मैं मानता हूँ कि सुबह सुबह 8-9 बजे तक उठ जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ना योर मेरे मेरे हिसाब से भी ना खराब होता है, इट्स नॉट राइट। या तो कोई बंदा सही में नॉक्टर्नल हो, अलग ही हो, हाँ नहीं बहुत सारे हैं, जैसे फ्लॉयड मेवेदर है, वो तो रात को ही वर्कआउट करता है, रात को 2 बजे से उसका वर्कआउट शुरू होता है ना, और वही सुबह है ना कि जाता है कई 8 बजे। लोग कई लोग कई सम पीपल आर मॉर्निंग पीपल एंड सम पीपल आर हाँ नाइट। हाँ हाँ तो ठीक है, अब मॉर्निंग वालों को लगता है कि मॉर्निंग में ही करना सही है, ठीक मॉर्निंग वालों को लगता है कि है। मॉर्निंग में जो उठता है वही सक्सेसफुल हो सकता है ना, वही एग्जैक्टली सक्सेसफुल है जिंदगी में, लेकिन दैट्स ऐसा नहीं है। दैट्स नॉट ट्रू। फ्लॉयड हाँ मेवेदर एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, अभी शाहरुख खान एग्जाम्पल है। शाहरुख खान हो गया, ठीक है। हाँ शाहरुख अब देख खान जैसे जैसे अक्षय कुमार सुबह सुबह जल्दी उठता है, वो सबको बोलता नहीं है हाँ जाके कि तुम भी उठ हाँ जाओ, ठीक हाँ है। वैसे ही रखना चाहिए, अगर जिसको जैसे रखना, जिसको जैसे जीना हाँ है जैसा जीने है दो वैसे ही यार। रहो, मतलब ठीक है, अगर हाँ मतलब ठीक है किसी की लाइफ रूटीन में है, तो मेरे को लगता है उनकी भी गलती नहीं है, वो अगर उसके लिए वो अच्छा बेनिफिट कर रहा है तो वो दूसरों को भी बताएगा कि तुम भी उठो, एक्सरसाइज करो, ये करो, है ना। बट मेरे को लगता है एट द एंड ऑफ द इट इज डे वन थिंग, जो इट इज वन थिंग यू गिव अपनी अस, सहूलियत है वही उसी हिसाब से चलते हैं लोग, है ना। इट इज वन थिंग यू गिव अ सजेशन टू समवन, इट इज अ होल डिफरेंट थिंग यू इम्पोज दैट हाँ ऑन। कि मतलब अगर हाँ सुबह उठोगे तब भी होगा, हाँ तब भी हाँ सक्सेसफुल हो पाओगे, तभी नहीं तो ना, तुम गए, है ना। तभी ये जो रामदेव टाइप लोग है ना, ये मेरे को ना टाइप मतलब लोग उसके ही मतलब वही जॉनर में जो आते हैं। अच्छा उसके जॉनर में, अच्छा हाँ वो मतलब बहुत चूज रखते हैं मेरे को सही में, मतलब उसके तो करने करने से होगा, करने से होगा से होगा। हाँ नहीं ये तो है मतलब भाई। उसने एक बहुत चूतिया चीजें बोल रखी ना, तो वो ना मतलब यार तुम ना चल ठीक है, तू योगा के बारे में बोल रहा है, बहुत अच्छी बात है, तूने बहुत मतलब नाम कमाया योगा के उससे, तू उसमें उसी में रहना भाई, तू किस यार ये पॉलिटिक्स में आ रहा है, चल ठीक है तू पॉलिटिक्स में भी आ जा, बट तू ये लोगों को सब ये क्यों बोलता रहता है कि मत खाओ मीट चिकन, इससे ये हो जाता है, इससे बवासीर हो जाता है, बयान चो ये हो जाता है, बकवास कर रहा है, मेरे चूतिया को में आ रहा मेरे है। को मेरे को ये जानना है, मेरे को ये जानना है, दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो वेजिटेरियन और उसको बवासीर ना हुआ हो, मतलब ऐसा कोई यू अगर मेरे को बता दो एक आदमी। बात बताऊं, ऐसे हाँ बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी सिगरेट नहीं पी पी बट उनको लंग कार्सिनोमा हो लंग गया है। कैंसर हो गया है ना। हाँ ठीक है, तो इट इज नॉट इट डज नॉट डिपेंड ऑन, और ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत फूकते भी हैं, कुत्तों को माफी, उनको कुछ नहीं होता। नहीं होता कुछ, नहीं हाँ लंग कैंसर होता ही नहीं, मतलब हाँ ये तो हाँ है यार, ये तो एक चीज है कि लोगों ने ना मतलब जो उनके लिए सही है, जो उनके लिए काम करता है, हाँ वो सोचते हैं वो सबके लिए ही काम करता है, एंड करेगा एग्जैक्टली हाँ तो दैट्स अब नॉट
अब देख अगर मेरे को मैथ्स करते हुए गाने सुनने में, मतलब मेरे को पहले ना बचपन में मेरे को मजे आते थे मैथ्स करते हुए गाने सुनते हुए, और मेरे मतलब मेरा कंसंट्रेशन बन जाता था, ठीक है। अब किसी को नहीं समझ में आ रहा गाने नहीं वो तो, सुनने, हाँ गाने किसी नहीं को नहीं सुनने, समझ। हाँ तो मैं उसको ये थोड़ी ना बोलूंगा तू तो गाने सुन तब ज्यादा अच्छा हाँ लगेगा। मैं तो ये बोल सकता हूँ ना कि जैसे मेरे जैसे को हेल्प तेरा था कि करता, तू, मेरे को हाँ हेल्प करता तो ये बोल सकता, मेरे को हेल्प करता। एग्जैक्टली हाँ, तो ट्राई कर ले, अगर तेरे को नहीं करता तो भाई सॉरी, ठीक हाँ भाई सॉरी, मेरे लिए तो काम करता है हाँ ना। और मैंने ना ये बचपन में ना कॉपी करने की बहुत कोशिश करी है यार, जो थोड़े इंटेलिजेंट बच्चे होते थे ना तो वो हाँ बताते थे कि मैंने ऐसे किया है, ये किया है, वो किया है, तो मैं भी करने की कोशिश करता, मेरे को सारा समझ में नहीं आता था। मैं वो कैसे कर रहा है आदमी है ऑब्वियसली थोड़ा सा ना तो मैं भी लगता है कि क्या है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो आपको जैसे अच्छा लगता है, जैसे मैं हूं ना, मैं जब भी पढ़ाई करता था तो मेरे को लगता था कि मेरे से लिख के ही हो सकता है, मैं रट नहीं सकता एग्जैक्टली तेरा है। तेरा लिख के होता था, मेरे को लिख के हाँ नहीं होता था। तो हाँ मेरे को, हाँ हाँ मेरे को पता है क्या, मैं ऐसा था कि मेरे को पढ़ना होता था, फिर मैं समझता था उसको, पढ़ता था समझता था, उसके बाद मैं, मेरे को लिखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था टू बी ऑनेस्ट। हाँ मैं ना वही, समझ गया। हाँ समझ मतलब तुझे पता है इंडियन इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा है, पढ़ो गया लर्न रटो और सीधे उगल दो सही में यार, जाके नेहा भी रटती थी भाई बहुत, उसने तो मतलब मैं तो देखता रहा वो कभी, मतलब मैं साइड में लिख रहा हूँ, लिख लिख के याद कर रहा हूँ, और मैं इतना जेलेसी होती थी मेरे मेरे को, क्योंकि जैसे वो हाँ रटती है ना वैसे मैं नहीं कर हाँ सकता था, है ना। मेरे को हाँ लगता था यार इसका कितना टाइम वो हो रहा है, मतलब ना अबे ये मेरा तो कितना चल टाइम वेस्ट ठीक हो है, रहा है। वो तो मतलब मेरे तरीके से लोन करती होंगी। बट मेरा एक दोस्त था, वो मतलब पेपर को देखता था 5 मिनट, मैं क्या मतलब उसकी फोटोग्राफी मेमोरी टाइप की थी, मतलब ओ अरे वो तो और क्रेजी था। वाह। हेलो हाँ हाँ, आवाज आ रही है। तो हाँ अरे अरे हाँ अच्छा बाय द वे, मैं तेको ना कल ना मतलब जब, हाँ चल अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, कल क्या कर वीरदास रहे के थे? ऊपर। हाँ अरे जब हम बात कर रहे थे वीरदास के, उस अभी अच्छा जो रीसेंट वीरदास की बात कर कंट्रोवर्शियल रहे हैं, उस, देखो हाँ वीरदास कल हम बात कर तो रहे थे उसके बारे में है ना, और उस मतलब अगर पता नहीं कोई तो सुनता है नहीं, बट मैं कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि ये वीरदास ने अभी कोई वीडियो निकाली है, एंड उस वीडियो में निकालिए। मतलब मैं बता रहा हूँ कि हमने किस बारे में बात करी अच्छा थी। वीरदास ने एक वीडियो निकाली है एंड उस वीडियो में उसने बोला कि दो इंडिया हैं उसके उसके पर्सपेक्टिव के हाँ हिसाब से। पर्सपेक्टिव से। तो और उस वीडियो में उसने बताया, उसने खूब बोला राइट, एंड उसके बाद बवाल हुआ, उसको टेररिस्ट बोलने लग गए, उसको बोलने लगे कि इसको टेररिस्ट एक्ट के अंदर इसके ऊपर केस करो राइट। और बहुत सारे और भी लोग हैं जो एग्री नहीं करते हैं उससे है ना, एंड तेरा तेरा मेरे को इसमें पर्सपेक्टिव मेरे को अलग इसलिए लगा बिकॉज इफ दिस वाज लाइक अगर ये 2 साल पहले होता ना तो मेरे को ना तेरा रिएक्शन पता था क्या होता, बट नाउ आई वाज अमेज कि तू इतना लॉजिकल कैसे बोल रहा है। पता है मेरे को ना, मेरे को मेरा ना हाँ मतलब मेरे को अभी भी सही नहीं लगा, क्योंकि आई जस्ट फील दैट द क्राउड दैट ही वाज केटरिंग टू वाज दे, ऑब्वियसली यू ऑल्सो एज नो इन दैट उसके क्राउड जो उसके उस, सामने क्राउड था वीडियो में हाँ, वो, क्राउड की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा हाँ हाँ तो वो क्राउड कौन होगा यार मोस्टली, मुझे मेरे हिसाब से वो होंगे एनआरआईज, और एनआरआईज के जो हाँ दोस्त होंगे, हाँ है ना, यही होंगे हाँ ना। कुछ फैक्ट्स मैंने कल ऐसे ही किसी के, मतलब तेरे मतलब बात करने के बाद, इसके बारे में थोड़ी सी बात हुई थी हमारी, उसके बाद मैंने ना ऐसे ही मतलब मेरे सजेशन में आ गया किसी का, शांतनु पलाशर करके कोई यूट्यूबर है उसका, और उसने ना बहुत अच्छे से समझाया, उसने बोला बिल्कुल सही बोला है, बट उसने मतलब जिस ऑडियंस के सामने बोला है, अब मैं इस, उसने सब सही बोला, बट उसने ये जो बात बोली ना, मेरे को लगा कि यार अच्छा वो अगर इंडिया में भी ये करता, सही ऑडियंस के सामने भी करता, तो उसको बैकलैश क्या उस जैसे हुआ था उसको, तो मतलब अननेसेसरली जो ये फ्रेंज एलिमेंट्स है वो इसको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं या जो भी करते हैं, ठीक है। एफआईआर तो खैर अभी भी हुआ है, आई डोंट नो क्यों हुआ है, हाँ वही क्योंकि बोल किस रहा ना। बेसिस पे। हाँ
उसने बस ये बोला कि यूएस स्टैटिस्टिकली यूएस में कुछ दिखाए थे कि रेप ज्यादा वो है इंडिया से ज्यादा, तो तुम उस जगह पे उसका मतलब ये था कि बेसिकली इवन देयर आर टू यूएस, अ यूएस व्हिच एक्चुअली इज अगेंस्ट वॉर एंड अ यूएस व्हिच फैसिलिटेट्स वॉर, व्हिच फंड्स वॉर्स, ठीक है, वेपन्स एंड ऑल. सेम इज द केस विद चाइना, सेम इज द केस. बट आई फील टाइम, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, टाइम टू टाइम समाज को आईना दिखाना इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूएस का समाज हो या कहीं का भी हो, ठीक है, इंडिया का भी, इंडिया इंडिया में तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हर जगह ही वैसे बहुत इम्पोर्टेंट है. मेरा क्या पॉइंट था, मेरा ये पॉइंट था कि उससे दो तीन दिन पहले ही एक न्यूज आई थी कि 400 मैन रेप्ड वन गर्ल, ठीक है, अभी फॉर भी आई डोंट नो कितना, बहुत टाइम, तो बहुत मेरा उस टाइम टाइम मेरा हाँ भाई 400 लोग, मतलब लोग, ये तो सबसे ज्यादा, मतलब वो उसके बाद ना जब ये वीडियो आई ना तो मेरे को लगा यार इसने सही किया, ठीक है. नहीं मैं समझ तो गया, अगर वो ये हाँ जो चीज है ना कि उसने क्या बोला है वहां पे, मतलब सबसे पहली बात ना, आई थिंक इट वाज अ स्मार्ट मूव कि उसने बाहर किया है, उसको शायद से लग गया था कि भैया बाहर ही करता हूँ, वहां करूंगा तो FIR लगाएंगे, ये करेंगे, है ना. अब पता नहीं यहाँ पे FIR का क्या, FIR का कोई बेसिस ही नहीं है, तुम कर लो FIR भाई, हाँ क्योंकि उसका उनकी एक रीजन देता ज्यूरिसडिक्शन हूँ नहीं है ना, क्योंकि उनकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है नहीं ना, है. उसने यूएस में किया है, तो मैं वही और बोल रहा सबसे हूँ. और सबसे पहले इस हाँ चल ठीक है, बोल बोल तू हाँ पहले बोल. हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका मेरे को लगता है कि जैसे बनाया जा रहा है ना, कोई कोई लोग बोल रहे हैं इसको टेररिस्ट घोषित कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो तो यार मेरे को लगता है कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम है, ज्यादा ही मेरे को लगता है बकवास चीज है, और उनपे तो जाने नहीं चाहिए, उनको भाव भी देना चाहिए जो ऐसा बोल रहे हैं. हाँ बहुत लोगों के अलग ओपिनियन है, राइट, ही चोज टू एक्चुअली स्पीक अबाउट दैट पार्ट ऑफ इंडिया जो कि है, मतलब एग्जिस्ट करता है, बट हाँ मैंने तेरे से कल बात करी थी, मैंने तेरे को बताया और भी पार्ट्स हैं इंडिया के, राइट, और भी, और या देयर आर जो ओनली इस, नॉट टू हाँ इंडियाज. हाँ मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसी चीजें हैं जो कि वो बोल सकता है, बट ही चोज नॉट टू, उसने एक स्पेसिफिक चीज के बारे में किया है, और इस वजह से जो जितने भी सेंटर टू द राइट वाले हैं उन्होंने क्वेश्चन उठाया है, शाम शर्मा जैसे हो गया, राइट, उसने भी बोला है, एंड बड़ा मैंने लॉजिकल उसकी वीडियो नहीं वे देखी से, है. हाँ बड़ा लॉजिकल वे से उसने बोला है कि ऐसा ऐसा है, एंड ही इज ऑल्सो राइट, है ना, उसको आप रॉन्ग नहीं कह सकते, राइट. बट टू से कि ये तो देशद्रोही है, ये फलाना ढिंकाना है, ये है, और मेरे को नहीं लगता उसने किसी सबसे रॉन्ग पहले ना, इंटेंशन से बोला है. सबसे पहले ये जो केस है ना, ये जो के अगर कोई केस कर भी रहा है इसके ऊपर, वो इट वुड नॉट विदस्टैंड इवन हाँ टू क्योंकि मिनट्स हाँ इन इन द ऑब्वियसली कोर्ट्स, बिकॉज ज्यूरिसडिक्शन नहीं है. दूसरी बात ये है कि डिफेमेशन का केस जो होता है ना, चल चल मान ले ले भी उसने लिया डिफेम जज ने, किसको किया है, अरे मान ले ना, चल मान ले इंडिया इंडिया को पे डिफेम डिफेमेशन केस किया. हो सकता है, मतलब इंडिया पे, क्योंकि मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो द लॉ, मतलब तेरे को ज्यादा आइडिया होगा इसके बारे में. आई थिंक डिफेमेशन केस नहीं लग सकता है. डिफेमेशन केस होल्ड दैट या थॉट, होल्ड देख दैट थॉट, देख मेरे को रिसेट करने दो. एक हाँ तो आप डेफिनेशन का तो बता रहा था कुछ. सेकंड रुक. हाँ मैं ये बोल रहा था कि डेफिमेशन डेफिमेशन का केस नहीं लगेगा इसके ऊपर अगर कोई कुछ ऐसा बोलता है. सबसे पहले ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट द कंट्री, ही इज सेइंग अगेंस्ट क्रिटिसाइज सर्टेन कर रहा है वो, कुछ कुछ पॉइंट्स है उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, विच कंस्ट्रक्टिव इज क्रिटिसिज्म है, हाँ जो विच सच इज द है, ट्रूथ, बेसिकली हाँ ट्रूथ है, सच है. ठीक है. बट हाइली मेरे को लगता है देयर इज अ लॉट ऑफ जनरलाइजेशन. यार मेरे को ये लगता है ना, जैसे उसकी स्पीच है ना, उसमें मैं भी होल हाँ निकाल दूँ बहुत सारे, ठीक है, मैं भी बहुत हाँ चीजें बोल लूँ, बट द हाँ फैक्ट कि ये आ जाते कि उसने कुछ गलत बोला है क्या, तो उसमें मेरे को नहीं लगता कि बहुत सारे इस चीज को बोल पाएंगे कि उसने हाँ गलत बोला, सब गलत बोला है ना, तो मेरे को वो थोड़ा लगता है.
You are right. But ना क्या हुआ है ना कि people like him or like Kunal Kamra, what they do is they generalize a lot. Like for example, if you have done something wrong and you come from a particular community, then they will completely slander and they'll defame the entire community except for one particular. वो मुझे को लगता है वो उन अब मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है अब मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता वो हाँ पंच अप ही करते हैं ज्यादातर और पंच डाउन में बिलीव नहीं रखते हैं जो कि हाँ। मतलब स्टैंड अप जो इंडिया में है वो उनका यही है फंडा है ना तो वहाँ मैं भी इसमें अग्री नहीं करता हूँ ये जो अब पंच अप और ये जो पंच डाउन वाला है मेरी तेरे से कल बात हो रही थी एंड आई वाज लाइक कि इट इज बुलशिट अगर मैंने तेरे को बिलबर का दिखाया था मतलब ना एक वो नहीं था हिटिंग वुमेन वाला एग्जैक्टली यू आर राइट वाला ना सो इट इज पंचिंग डाउन ना इट इज पंचिंग डाउन द फेमिनिज्म 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 बट इन दैट पर्टिकुलर स्किट बोल रहा हूं जो स्टैंड अप था उसमें बिलबर मेड इट वेरी क्लियर दैट ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन हाँ, he was not generalizing, हाँ, but these people generalize. But for feminism, very, अगर जो feminism हाँ, feminism करता, अगर नेहा धूपिया को तू बिलबर का वो वीडियो देखा, तो वो तो she'll be like furious, she'll be like कि वाला लड़के कुछ भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. मतलब मैं वैसे बोल रहा हूँ कि अगर जैसे वीरदास है, वीरदास मतलब मैं मेरे को लगता है वो woke होता जा रहा धीरे-धीरे. राइट एंड और ये नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू पे ही जोक करता उसने अब मुस्लिम पे भी जोक किए हैं उसने क्रिश्चियनिटी पे भी जोक करे हैं उसने मतलब वो he has done that और वो मुझे ना मेरे को ना तभी ना ये जो मैंने कल वीडियो देखी थी उसमें ना एक बात बोली थी जो मेरे को ना सही लगी फिर मैंने उसके बाद सोचा उसके बारे में तो मेरे को लगा कि यार अब उसने ये जो बोला था कि वी इन इंडिया वी लाइक ये वी प्रे टू वुमेन ड्यूरिंग द डे एंड देन वी गैन दे दैट ठीक है तो उसने ये पॉइंट उठाया कि हु प्रे मतलब इन विच लेजेंड प्रेज टू गॉडेसेस तो विच लेजेंड इन विच रिलीजन बेसिकली प्रेज टू गॉडेसेस ठीक है मैं समझ तो गया वो ठीक है तो बोलना चाह रहा है कि ये हिंदुओं के ऊपर मतलब हिंदू मेरे को नहीं लगा ज्यादा टारगेट है और मतलब मेरे को बाद में मैंने जितने सेंटर जो राइट वाले हैं ना वो उनका यही है कि हिंदू पे ज्यादा टारगेट है राइट बट जो और कम्युनिटी है जहाँ पे हमारे से ज्यादा वो रेडिकल है राइट हमारे रिलीजन ज्यादा रेडिकल है तो उनके बारे में तो कोई कुछ कहता नहीं है बिकॉज दे आर माइनॉरिटीज है ना और विच इज अ फेयर पॉइंट मेरे को इसमें कुछ ऐसा नहीं लगता कि मतलब कि और कितना घटिया बोल रही है ये वो सुन नहीं विच इज अ फेयर पॉइंट मेरा बस ये है कि उसने कुछ चीज गलत नहीं बोली जो सेनेटर वाले राइट वाले हैं उन्होंने भी कुछ इतना उन्होंने भी जस्टिफिकेशन सही दिया अपना मेरे को एक प्रॉब्लम है ना कि ये जो वो होता है ना कि FIR कर दो और ये कर दो वो कर दो इसको फांसी में लगा दो इसको धमका दो मतलब बेसिकली ट्राइंग टू इंटिमिडेट दैट पर्सन अब मुझे ना उस टाइम जब मैं सुनी थी खुद में खुद लाइन ने को ना लगा नहीं क्योंकि आई फील इन एवरी रिलीजन चलो चाहे वो प्रैक्टिस करते हो वो चीज नहीं करते हो दे कीप वुमेन एट अ पेडेस्टल चाहे वो मुस्लिम भी हो चाहे वो क्रिश्चियंस कोई भी हो ठीक है ऑल दो प्रैक्टिस करते हो नहीं करते हो मुझे नहीं पता बट दे ऑल्सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट दे कीप वुमेन एट अ पेडेस्टल व्हिच मींस दे आर एक्चुअली प्रेइंग प्रे तो नहीं बट दे एक्चुअली कीप देम एट अ पेडेस्टल तो ऐसे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को इस तरीके से घुमाना कि हिंदूज के अगेंस्ट हो गया है वो सही नहीं है अगर जिसको ऐसा लगता है और अगर इस मोटिव से किया भी है वीरदास ने तो वो गलत है अगर नहीं किया तो उसका वो सही है फिर मतलब मेरे को उससे कोई इशू नहीं है मेरे को वही बोल रहा हूं वही बोल रहा हूं मेरे को नहीं लगता कि उसका कोई बैड इंटेंशन है बल लेकिन मैं ये बोलूंगा दैट ही इज बिकमिंग वोक डे बाय डे उसकी
मतलब मैंने पूरा एक वो देखा है उसका ना, ट्रेजेक्टरी देखी है कि ना धीरे 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 करके ना ही इज बिकमिंग हाँ मोर लाइक ना कि अरे फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगे, यू डूड यू आर अ स्टैंड अप राइट, या हाँ दुखती रथ पे हाथ रखना तुम्हारा काम है ना, तुम्हें इस तू सही बोल रहा है। तूने वो जो एक तो वो हे हाँ वाली जोक का जो उसने अपोलोजाइज किया, उसके बाद एक जो जोक मारा था उसने, एक हे हाँ सॉरी हाँ ओए जो भी सुन रहा है सॉरी यार ठीक वाई क्यों, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता ना वाई टू बी सॉरी, हाँ मतलब हम गॉड का भी हम मजाक उड़ाते हैं, एंड फॉर मी मतलब हाँ आप अगर इफ यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना वो कर सकते हो, तो अगर हम इनके लिए नहीं कर सकते तो दे आर मोर देन गॉड देन, मतलब मेरे को यही लगता है ना कि यही तो मैं बोल रहा मेरे को ना तेरा तेरा जो थॉट प्रोसेस है ना मेरे को तेरा सही लगता है उसका, क्योंकि तू ना अनबायस्ड है। हूँ। अब ये लोग बायस्ड हैं। अब यही चीज मेरे को वीरदास के बारे में तो पता नहीं है, बिकॉज इतने कोई इंस्टेंसेस आए नहीं है या मैंने देखा नहीं है बहुत टाइम से। ये लोग ना मतलब ये वही चीज करेंगे, और फिर जो अगर सामने वाला वो करेगा he'll give reciprocate, then he they'll be like oh he's doing this he's doing that, so they have the freedom of speech to exercise, but they think that the other person cannot do the same against their opinions, they'll get hurt. So तेरा तेरा ये है कि तू फ्रीडम ऑफ स्पीच हो तो सबके पास हो, भले ही हाँ वो वीरदास हो हाँ कंगना रनौत वही हो तो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ हो। ना, अभी क्या है, अभी पीपल आर ओनली केयरिंग अबाउट देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच और देयर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दूसरों का जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो गगान बनाने दे, बाद में हमें अपना देखना है, हमें बोलने का हक है, हम ही कर सकते हैं। कंगना रनौत को तूने बात किया, अभी वो बोल रही है गांधी के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, एंड एवरीवन इज मतलब बौखला गए हैं कि ऐसा ऐसा ये है वो, तो मेरे को यही लग रहा है कि अगर तुम इतना बोलते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो उसको बोलने दो ना, जस्ट इग्नोर हर, इफ यू डोंट लाइक हर जस्ट इग्नोर हर ना। और मेरे को लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच आने में ना, देख अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट हो गई है और तूने देखा है, तूने तूने कुछ तूने बोला, देख तुझे पता है कि वरुण गांधी ने, मैंने क्या बोलते हैं देखा था, ही इज फ्रॉम बीजेपी, एवरीवन नोज दैट, एंड कंगना रनौत सपोर्ट्स बीजेपी, बट इस स्टेटमेंट पे कंगना रनौत को बहुत बैकलैश मतलब मिला, और वरुण गांधी ने बोला इसको इसके इसको टाडा में लगा, मतलब टाडा बोल रहा हूँ यूएपीए में वो करो इस वही तो पर्टिकुलर बोल रहा हूँ ना, मैं उसको वही तो बोल रहा हूँ, तो। मैं तेरे को वही एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट है, तूने कुछ ऐसी चीज बोली मेरे को, मतलब मेरे को नहीं, कुछ ऐसे चीज के बारे में जिसके बारे में मैं बहुत सेंसिटिव हूँ राइट, और अगर मेरे को पता है कि उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूंगा, मैं इग्नोर ही तो करूंगा तेरे को, है ना। हमारे यहाँ क्या सही है ना, बोल रहा हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शन है ना, तो रिस्ट्रिक्शन हूँ। के वजह से आई कांट लेट इट गो पता है मैं। इसमें ना मैंने बहुत सोचा, तूने जो बोला ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट होनी चाहिए, बट तूने देखा है कि यूएस में फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट है ना, बट डिफेमेशन का लॉ तो है, ठीक डेफिमेशन का लॉ है, और है डेफिमेशन का डिफेमेशन का लॉ, लॉ और है, तेरे को पता है बट क्या है, अगर यू कैन प्रूव कि उसके वजह से तुम्हें कोई फाइनेंशियल हाँ, कुछ इमेज लॉस पे हुआ है, वो पड़ रहा है, इमेज पे लॉस वो हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, और जो भी उसके वजह से, ठीक है। अब एक बार बता, जैसे मान ले कंगना रनौत ने किसी या जावेद अख्तर के बारे में कुछ बोला विच वाज फॉल्स, ठीक है, या जावेद अख्तर ने कंगना रनौत के बारे में बोला विच वाज फॉल्स, बट नाउ कंगना रनौत आई फील शुड हैव द राइट टू गो एंड टू द कोर्ट एंड फाइल एन FIR डिफेमेशन का केस, क्योंकि वो फॉल्स है यार, ठीक है। हाँ, एक इफ शी होता कैन है प्रूव इट, जोक इफ शी कैन प्रूव या इट तो मतलब या ऑब्वियसली तो केस तो बनता ही है हाँ फिर। हाँ हाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरे हिसाब से ना उसमें आना चाहिए, क्या बोलते हैं ये जो स्टैंड अप कॉमेडी, और जिसको जो वो जिसका जो ओपिनियन बेसिकली है किसी चीज के ऊपर, ही कैन डू दैट, हाँ मतलब ही शुड हैव द वही तो राइट मैं टू बोल रहा हूँ, से अभी दैट या अभी या जो ये कंगना रनौत है उसको क्यों इतना बैकलैश मिल रहा है, उसने आज गांधी जी के बारे में कहा राइट। अब इंडिया में क्या है कि गांधी जी के बारे में आप कुछ भी ऐसा बोल दो कि जो कि लोग एग्री नहीं करते हैं,
तो आप खतरे में आ जाओगे। जैसे तू बोल रहा है यूएपीए का वो लगा रहे हैं कुछ, है ना, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो गांधी जी से अग्री करते हैं हर चीज के बारे में, बट बहुत ऐसे लोग भी हैं जिनके जिनके मन में क्वेश्चंस हैं, उनके जितने भी डिसीजंस हैं जितने भी हैं। देख मैं भी उनसे अग्री करता हूँ बहुत, राइट, लेकिन अगर मैं किसी को देख रहा हूँ जो कि एक वैलिड क्वेश्चन पूछ रहा है और वैलिड फैक्ट बता रहा है कि ऐसे ऐसे है, ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल ही अंधाधुनी बोला जा रहा है, पता नहीं कुछ भी, ऐसा नहीं, लेकिन कोई वैलिड फैक्ट बता रहा है तो ऑब्वियसली मेरे को मतलब मेरे को उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा ना, उसके ओपिनियन को और उसके क्वेश्चन को, कि वो एक्चुअली में पूछ रहा है ऐसे कुछ। इंडिया में गया है सेंसिटिव हो तो जाते हैं, तो भैया कैसे सेंसिटिव बोल हो सकते हो, जाते कैसे हैं। बोल सकते हो। अब जैसे एक बात होता, बहुत लोग हैं जो योगी को वो करते हैं, हेट करते हैं, ठीक है। और उनमें से भी बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि कुछ काम नहीं हुआ, है ना। बट मैं देख सकता हूँ, तू खुद भी बोलता है कि तू भी देख रहा है कि काम हो रहा है, ठीक है। क्राइम रेट नीचे चले गया है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी भी हुई हैं जो अनलॉफुल हुई हैं, जैसे वो क्या हाँ नाम है उसका, कौन सा गैंगस्टर था वो जिस गाड़ी गाड़ी पलट गई थी भूल गया था विकास भाई। दुबे, विकास दुबे हाँ झूठ तो दुबे बोर्ड दुबे। में बात नहीं कर रहे थे, और मैंने क्या बोला हाँ था अपने आप एक दिन पहले, आई वॉज लाइक भाई अपने आप गाड़ी पलटेगी, अपने आप वो होगा, और तू और मैं हंस हाँ रहे थे इन सब चीजों में, क्योंकि हम ऐसी ख्याली ब्लॉग बना रहे थे। पता है पता है इट इज ना, इट इज वेरी इजी टू सिट एट द साइडलाइंस एंड कमेंट, वेरी हाँ इजी, ऑब्वियसली। हाँ वी आर डूइंग दैट, ठीक है। हाँ बट उस टाइम क्या हुआ था, 8 पुलिस वालों की को मार दिया था उसने, दुबे जी ने, ठीक है। भाई दुबे कहाँ जी को मारा बोल रहा यार हूँ, कोई 8 पुलिस, 8 पुलिस तू उसकी तेरे बात को कर रहा पता है जो नहीं है उसने जो उस टाइम जब वो जब वेन ही हाँ जब भी उसको अरेस्ट करने गए थे अपने घर पे मारा था ना उसने, हाँ, तो 8 मेरे को पुलिस लगा वालों को तू बोल मार रहा है दिया जब था। भी एनकाउंटर हुआ तब मार दिया उसने नहीं नहीं 8 पुलिस। नहीं हाँ नहीं ना, नहीं हाँ नहीं वो तो है, वो तो है, वो तो तो उस टाइम पे मेरे को क्या लगता है कि सिंस ही इज, चल मान लेते हैं एक बारी को कि यार कोई भी हो यार, उस टाइम पे कोई भी होता ना, चाहे वो भी होता, क्या नाम है उसका, अरे यार समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव, तो वो भी कुछ ना कुछ एक्शन लेता उसके अगेंस्ट, भाई 8 लेता पुलिस वालों को मार दिया मैं उसने। जैसे सही हाँ मतलब मेरे को लग रहा है, बट अगर तू लॉफुली देखे हाँ देन उसके तो भी वो तो राइट्स है। अनलॉफुल है। हाँ उसके भी हाँ राइट्स है, और मेरे को, और मैं ये नहीं करना चाह रहा हूँ कि इन्होंने हाँ मारा है उसको, राइट, क्योंकि द ऑफिशियल न्यूज इज कि उसको एनकाउंटर में मारा है, राइट, बट तो इट्स यार, वेरी एक आयरॉनिकल कि बात, तू और मैं इसी के बारे में बात कर रहे थे एक दिन पहले एंड वी वर हाँ एक दिन लाफिंग, पहले, मैं बोल रहा था क्या यार तुझे शिट याद है जब यार। वो प्रियंका, क्या नाम है, डॉक्टर का रेप करके वो उसको मतलब जला दिया था हैदराबाद में, और हाँ उस डूड वो, यस हाँ तो एंड आई वाज वो वेरी केस, हैप्पी, मतलब मेरे को ना इतना हाँ बोझ सा था ना, क्योंकि मैंने सुना था ये अभी हुआ है रिसेंटली, तो एक ना बोझ सा हट गया एंड ना, बट अब उसमें एक आयरनी ये भी है कि यार ये लॉफुल लॉफुल था, मतलब मतलब वॉज इट अकॉर्डिंग टू द देख लॉ या फिर देख मेरे हिसाब से ना, मैं तेरे को बताता हूँ, काफी जो लोग उसको इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को डिस, मतलब वंस हुए सेइंग दैट गलत हुआ, इट्स अनलॉफुल। उनका पॉइंट, हाँ जो लोग ये सोच रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी और ने किया हो, इन लोगों ने किसी और को मार दिया हो केस बंद करने के लिए, ये बात, ये हो भी सकता है, ठीक है। बट मैं ये मतलब मेरे हिसाब से ये नहीं हुआ है, डूड ठीक यार है। मैन तो सही, मैंने तो ये एंगल सोचा ही नहीं। तू एक बात बता, किसी मंत्री के लड़के ने कुछ कर दिया, ठीक है, और किसी गरीब को मार दिया एनकाउंटर के, उसमें एवरी सब सब पब्लिक वाह ही भी दे दी है, ठीक है, केस भी बंद हो अरे गया। मैंने ऐसा एंगल में तो सोचा ही नहीं, तू तो पहली बार बता तू सिंगम नहीं देखता, सिंगम नहीं देखी सिंगम सिंगम सिंगम, सिम्बा। सिम्बा, अरे यार डूड सूर्यवंशी आ गई बाय द वे। हाँ देख भी ली, मतलब मैंने नहीं देखी, मेरी बहन ने देखी, बुरी बकवास है, अच्छा बकवास मूवी है, अरे बोल तो रही है वो यार, ना। अच्छा, हाँ टिप टिप बरसा पानी अच्छा हाँ, तो फिर वही है यार कि ये
जो हम किसके बारे में, कंगना रावत के बारे में बात कर रहे थे ना, तो मैं वही बोल रहा हूँ, इफ शी वॉन्ट्स टू रेज अ क्वेश्चन कि उसको लगता है ऐसा, आप रेसिप्रोकेट हाँ करो, ये करो वो करो, राइट? अब देख भाई, कुछ चीजें ना इंडिया में ना बहुत ज्यादा मेस्ड अप हैं, कुछ चीजें क्या, बहुत चीजें बहुत मेस्ड अप हैं। एक सेकंड, तो मैं, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल सीपीआईएम हो गई, सीपीआईएम बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मैं उसके कंप्लीटली अगेंस्ट हूँ, बिकॉज तुम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में तुम एक ऐसी पार्टी कैसे बना सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और तुम कुणाल कामरा, सुधा भास्कर से मेरा एक ही क्वेश्चन है कि भाई तुम, चलो ठीक है तुम कम्युनिस्ट हो, तो तुम हमारे को डेमोक्रेसी पे लेक्चर क्यों देते हो भैंचो, तुम खुद तो कम्युनिस्ट हो, ठीक है। और अगर तू डाल रहा है ये सोराभास यूट्यूब पे, कम्युनिस्ट है? क्योंकि नहीं बात तुम, मैं फॉलो नहीं करता उसको, मैं को नहीं पता उसके बारे में इतना। मतलब इतने, मतलब कितनी हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी भी बोल रही होगी भाई, कुछ और नाम दे दे इस चीज को। सही में क्या बोलते हैं, मतलब क्या बताऊं, यस सीपीआईएम वाज एक्चुअली मतलब सिक्स उस पे थी वो, कि न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क बोला हूँ, यूएस के किसी मतलब लिस्ट में टेरर सिक्स मोस्ट डेडलीस्ट टेरर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये पार्टी हाँ सीपीआईएम। हमारे। हाँ भाई, देर आर टू सीपीआईएम बेसिकली, हाँ माओइस्ट एंड एक और है, पता नहीं कौन सा, मार्क्सिस्ट, हाँ मार्क्सिस्ट माओइस्ट पता नहीं क्या, बट नाउ दे हैव अगेन, दे हैव कम टुगेदर ओनली। एक मतलब स्टार्ट तो ये साथ में ही हुए थे, मतलब एक ही थी पहले सीपीआईएम, फिर ये अलग हो गए थे, फिर वापस आ गए, इनका सेम ही है इनका माइंडसेट, ठीक है। दे एक्चुअली आर अ टेररिस्ट ग्रुप, ठीक है। और बाप रे, जो सही कर बताया यार, तू कुछ गलत तो भाई, नहीं तू बता रहा है रिसर्च मेरे कर को? ले भाई, मैं रिसर्च क्योंकि कर मैं बाद में करूंगा फिर ये कर ले, भाई। एक काम कर, एक काम, एक बंदा, मैं तेको एक मतलब अपना वो बताता हूँ। मैं एक ना मतलब इंटर्नशिप कर रहा था इंडिया में ना, तो लॉ फर्म में इंटर्नशिप कर रहा था, तो सबके सब ना वहाँ पे थोड़ा लेफ्ट लीनिंग थे, तो एक बंदा ना, मतलब मैंने ना, मेरा दिमाग खराब हो रहा था, बहुत बकवास कर रहा था, उसको पता नहीं था कुछ भी, तो मैंने बोला एक काम कर, ये देख व्हाई द यूएस हैज रैंक्ड सीपीआईएम एज द सिक्स्थ मोस्ट डेडलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें फोर्थ या फिफ्थ में आईएसआईएस है, तो सिक्स्थ में है भाई हमारे सीपीआईएम, तो एंड सीपीआईएम इज द रूलिंग पार्टी इन केरला, ठीक है। तो ही वाज लाइक, यार दिस इज, मतलब ही वाज गिविंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सक्यूजेस, नॉनसेंस एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस, ठीक है। तो बाप रे, तो मेरे को आया नो आइडिया, चल बात ठीक है, कर वो रहा सब छोड़, वो था। सब हाँ छोड़, अब मेरे को ना ये समझ नहीं आता, ये जो स्वरा भास्कर और ये कुणाल कामराज, ऑल ऑफ देम, और ये मिस्टर कन्हैया कुमार, ही वाज आल्सो फ्रॉम सीपीआईएम ओनली, राइट, वो ही तो गॉट अ कांग्रेस में टिकट फ्रॉम चला गया ना। सीपीआईएम, अब तो कांग्रेस में गया है, अभी गया है हाँ ना, पहले तो हाँ पहले तो सीपीआईएम में था ना, अभी मेरे मेरे तो, को ना कोई बोल रहा था कि जितने सेलिब्रिटीज हैं, ये जो भी अमिताभ बच्चन और ये सब, जब भी कुछ ऐसा इंडिया में होता है, ये क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं, ये क्यों नहीं अपना वो देते हैं ओपिनियन? ये नहीं, मैं मेरे दिमाग में ना ये चल रहा था यार, जितने सेलिब्रिटी ओपिनियन दे रहे हैं उनको ही हम झेल रहे हैं हैं अभी हैं, उनको उनको ही नहीं कर पा रहे भाई हम हैंडल, है ना? मतलब ठीक है, आई एम लाइक कि मैंने स्वरा भास्कर का मैं इतना मैंने फॉलो नहीं किया उसका, मतलब कुछ बट आई डोंट नो, आई डोंट नो, लेकिन सुनने में तो यही आता था दैट उसके उसका मैंने कोई एक वीडियो देखा था, वो सीएए के बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, और जब भी रिपोर्टर ने पूछा कि आपने लॉ पढ़ा है, मतलब जितने भी लॉ है पढ़े हैं, रूबी का लिया मैंने बस कच्चा, वो किया है, देखा है, मतलब ना आई ऊपर स्किम से थ्रू इट, देखा हाँ ऊपर से देखा मैंने। है। हाँ तो वो मैंने वो देखा था बोल दैट रही थी कि अभी स्टूपिड। ड्राफ्ट भी नहीं आया, वो भी बोल रही थी ड्राफ्ट भी नहीं आया बेटा, फिर उसने बोला ड्राफ्ट भी नहीं आया, तूने कहाँ से देख लिया, वो एनआरसी के ऊपर ना, एनआरसी के ऊपर। एनआरसी का ड्राफ्ट नहीं आया। हाँ, वो तो अभी तक नहीं आया बेटा। हाँ वो पता है क्या आया है, कहाँ अभी है? ना, अभी ना ये ना क्या है कि ये गवर्नमेंट ना बहुत जल्दी जल्दी बहुत बड़े बड़े स्टेप्स ले रही है बेसिकली, हाँ तो सबको ना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो ये ना अगर जैसे फॉर एग्जांपल राम मंदिर का इश्यू सॉल्व हो गया, 2 साल 3 साल तक रहने दो भाई, काम कर लो, डेवलपमेंट पे काम कर लो, उसके बाद कोई कोई और वो लाओ, धमाका करो, आई थिंक ये जो तू बोल ठीक रहा है। है, इसका रिजल्ट हमने देखा कल कि
इसने वापस ले लिए जो भी है कानून, लेने पड़े, लेने पड़े ना, वही ना। तो तुम यार एक बात बताओ, जब तुम, जब दीज पीपल वर नॉट हैप्पी विद इट, ठीक है, तुम वापस ले लेते, ठीक है, एटलीस्ट यू वुड हैव सम, मतलब यू वुड हैव, अब तुमको इतनी, इतना इतना टाइम, इतना लोगों का बिजनेस चौपट हुआ है इस वजह से, ठीक है, और दुनिया भर के जाने भी गई हैं इसमें, ठीक है, तो आई वो थिंक तो दे है, वो शुड। तो है। एंड और तेरे को पता है ये कंगना रनावत का, पता नहीं मैं इसमें देख रहा था न्यूज में, कि उसने पता नहीं कुछ और भी बोला है कि डिक्टेटरशिप हो जानी चाहिए इंडिया में। आई डोंट नो, पता नहीं, किसकी, मोदी की, पता नहीं मेरे को क्या बोला क्या उसने, लेकिन मेरे को उसमें लग तो रहा है, पढ़ा मेरे था को मैंने लग रहा है, ऐसे, मेरे को लग रहा है बीजेपी हारेगी ना, तो मोदी की वजह से नहीं हारेगी, ये इसके तो वजह से मैं आपसे हारेगी। बोल के जिसका कोई लेना देना ही नहीं है ना सही है ये। यार, नहीं तो सही बोल रहा भाई, अगर हार गई तो भाई इसके वजह से, ओनली बिकॉज ऑफ कंगना रनावत। क्या यार, अनस्टंट यार, तू अपना काम करना भैंचो, तेरे पास फिल्म नहीं है क्या करने के लिए, कुछ काम नहीं है क्या करने मेरे के को लिए, लग रहा नहीं है भाई उसके पास, इन्होंने, है सबने ना तो बॉयकॉट कर दिया उसको। सही में। उसकी अभी फिल्म तो आई थी थलाईवी, थलाई थलाई भी, हाँ थलाईवी नाम है ना, देखी तूने? थोड़ी सी देखी थी मैंने, मेरे को अच्छी लगी एक्टिंग, बट ना मैं, मतलब मेरे टेस्ट की मूवी नहीं थी वो, तो मैंने बोला वही मैं, मेरे, मैंने पूरी देखी थी, एंड आई वाज लाइक इट वाज ओके, मतलब हाँ, इट वाज, मतलब अच्छी भी नहीं थी ज्यादा, वैसे भी नहीं थी बुरी वैसे भी भी नहीं नहीं थी, थी। हाँ, ये तो है, बट अब ये है ना कि इसके बाद वो नहीं टिके तो टिके, जो ये देखो लीड ये कर समझ रहा नहीं आ है रहा कि ये बंदा ना, ये बंदा ना भाई, कौन, ये राकेश टिकैत, राकेश टिकैत? अच्छा। इसको राकेश टिकैत, ये क्या था इसका, ही वाज अ नोबडी, ठीक है, अब इसको इतना वो मिलने लग गया, तो ये वो हो गया ज्यादा, अब ये हाँ हट भी, ये अभी भी नहीं हट रहा ना उससे मैंने धरने से। इसका इंटरव्यू अभी आ रहा था टीवी में देख रहे थे मामा, तो ना बोल रहा है मतलब ना अब तो आपकी जो ख्वाहिश थी वो मंजूर हो गई है ना, हाँ, मैं अब वही, क्या करोगे? हाँ एमएसपी, एमएसपी में लॉ नहीं आया अभी अभी अरे क्या आदमी है, मतलब उसके ना बात करने से किस तरीके से लग रहा है दैट ही, लग रहा है हरामी एक नंबर का है ना। मतलब हरामी भी हाँ नहीं, मतलब हाँ ही वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि इतनी जल्दी हो हाँ जाएगा, या मेरा करियर अभी हाँ स्टार्ट हुआ था मोदी ये तो अब मेरे को कुछ और ढूंढना जी पड़ेगा। सही अरे में, यार, अब पता नहीं कुछ बोल रहा था कि मोदी जी को माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, वो क्या दिखाना अच्छा चाह रहे हैं, और तो वो माफी हाँ मांगे तो प्रॉब्लम, बाकी माफी ना मांगे हाँ तो प्रॉब्लम, वो क्या क्या करना क्या चाह रहा हाँ भाई, हाँ है ना? तो चल ठीक है, द थिंग इज ये ना, मतलब ये ना, इस हम, ये ना बहुत बड़े लेवल पे होता है ये गेम, अभी ना इस पूरे इस पूरे टाइम जब ये फार्मर्स प्रोटेस्ट चले, इसमें ये दिख गया कि तुझे पता है, बहुत बहुत ऐसे एलिमेंट्स भी थे जो, जिन्होंने गंद किया था बहुत, हाँ, और ये दोनों तो साइड से भाई, दोनों साइड से ही इट वाज लाइक कि हाँ हाँ पिक्चर ना क्लियर नहीं हो वो रही थी। नहीं, मैं उसकी तो हाँ यार, मुझे पता है कि क्या बोलते हैं, तो उसकी बात कर रहा है जब कुछ डंडे वंडे मारे थे फार्मर्स को, ठीक है, जो भी हाँ, था मतलब बहुत वो, बहुत मैं मिस उसकी बात कर रहा हूँ, मैं जो ये रिपब्लिक डे पे हुआ था, है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आई मैं डोंट उसकी नो, बात मैं कर रहा तेरे हूँ, जब ये से बात कर रहा था, खालिस्तानी, मैं खालिस्तानी, अरे तेरे ये से ना बात कर रहा था, खालिस्तान, एंड आई वाज लाइक, मैं पता नहीं किससे बात कर रहा था, मैं हाँ बोल रहा था आई हैव अ वेरी बैड फीलिंग अबाउट दिस, जो ये रिपब्लिक डे में होने वाला है, मतलब हाँ क्योंकि मेरे को हाँ लग रहा था कुछ ना कुछ तो गलत होगा। चल चल, वो तो मुझे पता ही था होगा, मेरे को लग ही रहा था होगा, पर ये जो खालिस्तानी ये था, क्या बोलते एंगल, हाँ। हैं, इन लोगों ने मैप निकाल लिया था, पता है ना इंडिया का, कि कौन कौन से वो हैं, मतलब यूट्यूब में कौन गया एड चल रहे थे खालिस्तान में, यूट्यूब पे एड्स भी चल रहे थे, कि इनको तो ये सपोर्ट सारी करो, फंडिंग, हमें खालिस्तान बनना है। ये हाँ, सारी फंडिंग ना, ये तो हुआ है, ये तो हुआ है। ये सारी फंडिंग ना फॉरेन से ही आती है, जहां पे मैं बैठा हूँ वहीं से आती है, ठीक है, और क्या भाई देख, बोलते जब हैं, तक कोई ऐसा एक प्रूफ हाँ नहीं है कि जो आए कि हाँ कुछ ऐसा क्या, हुआ है फंडिंग वंडिंग,
भाई मतलब मुझे मेरी भाई, मेरी 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 ये मेरी भाई क्या बात कर रहा है, मेरी यूनिवर्सिटी में इट शुड बी वेरी क्लियर. मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि फंडिंग वंडिंग बाहर से होती है, बट हाँ. मेरे को ये है ना कि या तो है फैक्ट कोई ऐसा जो मैंने रिसर्च नहीं किया है ना. अच्छा एक बात बता, अगर इतना ही होता तो ये पाकिस्तान का पंजाब क्यों नहीं लेते? अगर ये पाकिस्तान का पंजाब भी अपने मैप में ले लेते ना, तो मैं तो बोल देता चलो फंडिंग हो भी रही है तब भी ठीक है कोई बात नहीं. यार पाकिस्तान के पंजाब में तो ही में ही तो मेन चीज आती है इन सिखों की, गुरु ये क्या नाम है नहीं, तो जो पाकिस्तान तो बोल रहे कि पाकिस्तान में क्यों नहीं लेते पंजाब. हाँ अच्छा चल पाकिस्तान का पूरा व्हाई पंजाब वुड मत दे लो, डू दैट, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. व्हाई वुड दे इनकॉर्पोरेट इंडियाज टेरिटरी, व्हाई वुड दे इनकॉर्पोरेट हरियाणा, इट्स नॉट इवन सिक्स का वो. ठीक है तो सबसे पहले तो वो कर नहीं सकते, बट वो मतलब दे आर डूइंग इट जस्ट टू मेक अ पॉइंट, दे जस्ट वांट टू देख आई लाइक जस्ट डोंट नो द फैक्ट्स अबाउट जो फॉरेन की जो फंडिंग है और ये है ना. फंडिंग तो छोड़ दे, एंड आई वुड फंडिंग. लाइक टू डाइव इन टू दिस, मतलब ना कि मतलब कि एक्चुअली में कहाँ से क्या क्या है. और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको इसके बारे हाँ में बहुत नॉलेज होगी है ना, लेकिन मेरे को हाँ अभी इसके बारे में कुछ इतना पता तो पता नहीं नहीं है. है. बट सबसे फनी चीज मेरे को हाँ जो फार्मर लॉ जो गए है वो एटिक है, तो हाँ भाई ही इज जस्ट पैनिकिंग, उसको लग रहा भाई क्या करूंगा मुझे पता ही था कि ये साला ये बोल भी देगा, माफी भी मांग लेगा, तब भी ये राइट हटने नहीं वाले. ठीक मैं. है पता नहीं यार आई तो जस्ट बहुत लोग मोदी जी पे बहुत तो वैसे भी हैं, उनको गुस्सा आ रहा है क्या. क्यों क्यों हटाया क्यों वो किया हाँ है ना. और मैं हाँ तेरे को सही बताऊं, सबके यार एक अपने बात अपने बता, रीजंस हैं एक यार. यार कुछ फार्मर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे थे, बहुत फार्मर्स ऐसे भी थे जो सपोर्ट भी कर रहे थे, सपोर्ट कर बट रहे हैं. हाँ यार अब इतना डू यू थिंक टाइम ये इट्स लोग बिकॉज ऑफ इलेक्शन, मतलब ये जो हुआ है यूपी में जो इलेक्शन हो रहे हैं, बिकॉज दे आर सिटिंग इन, मतलब जो ये जितने भी राकेश ये हैं हाथी के ये क्या सारे यूपी में ही बैठे हैं. ये यूपी में बैठे हैं? बट हाँ यार यूपी के में भी कहाँ बैठे हैं, यूपी में भी ये लोग ना वहाँ गाजीपुर, हाँ गाजीपुर गाजीपुर बॉर्डर बोल पे रहे बैठे हैं ना, हैं. वहां पे तो इतना इशू है भी नहीं. जो असली इशू था वो चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे में था, हाँ ठीक है वो हाँ पूरा जैम्ड था, क्योंकि मैं इतनी बार 6 बार तो मैं होके आ गया हूँ, मुझे पता है कि भाई मैं जहाँ 4 घंटे 6-5 घंटे का, चल मैक्सिमम 6 घंटे का रास्ता, 8-8 9-9 घंटे में पहुंचा हूँ मैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से गाड़ी, मुझे बता भाई. तो ये इलेक्शन का हो सकता है, मैं आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई दैट, हो सकता है पूरा पूरा हो सकता है. यार देख भाई एवरीवन एट द एंड ऑफ द डे वांट्स टू विन इलेक्शंस, ठीक है दे वांट टू मेक श्योर दैट दे, हाँ ठीक है. तो ये तो ऐसा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं कि इलेक्शन के बाद बोलेंगे हाँ इलेक्शन हो गए जीत गए हम वापस आने हाँ लगा रहे. हाँ तो हाँ अब तो इट अब तो ये चली गए, मतलब दे हैव रिपील्ड द फार्म लॉज. अब ये अगर हाँ आएंगे तो ये फिर आएंगे 2-3-4-5 साल बाद, अगर आएंगे तो, नहीं तो क्या पता आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं मे क्या भी सीन. आई थिंक कि अगर इनको लाना ही हाँ है, आई थिंक इनको एक स्टेट में जैसे यूपी है जो उनका हाँ ही स्टेट बीजेपी का ही है, हाँ तो मेरे को लगता है हाँ एक स्टेट में इनको लागू करना चाहिए. और उसमें जस्ट सेट एन एग्जाम्पल, अगर अच्छे हैं ये हाँ फार्म लॉज राइट, तो इन दे शुड सेट एन एग्जाम्पल कि देखो यूपी में ऐसा ऐसा हुआ और वहां के फार्मर्स इतना ज्यादा अभी उनकी अच्छी है कंडीशन. लेकिन अभी ये है ना, देख मेरे को ये लगता है ना बीजेपी का कोई भी लॉ है ना उसमें वो 7-8 साल उसको लगेंगे कि आपको अच्छे से पता चले कि इसके एक्चुअली में प्रोज एंड कॉन्स हैं क्या है क्या. ना. क्योंकि बट मुझे 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 ना कुछ मुझे कुछ चीजें देख भाई, ऑलमोस्ट जो भी इन्होंने किया एक्सेप्ट फॉर डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी भी कुछ हद तक मेरे को सही लगा, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को ये जो फार्म लॉज थे, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है फार्म लॉज क्या है, ठीक है. तो दे वर डूइंग इट फॉर द फार्मर्स, ठीक है. इनका तो मेन जो वो था, मतलब इनका जो मेन एजेंडा 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 ही बोल दो, ठीक है, टू बेसिकली ब्रिंग CANRC, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, राम मंदिर का था इनका, राम मंदिर का कर दिया इन्होंने, ठीक है. अब ये अगर अपने प्रोस्पेक्टस में इन लोगों ने यही डाला था कि हम लोग ये करने वाले हैं, और लोगों को फिर क्यों प्रॉब्लम हो रही है?
ठीक है। यार जब भी अगर तू लिख तो देगा कि ये लॉ आने हाँ वाला है, लेकिन उसकी जो हाँ ड्राफ्टिंग है, उसमें क्लॉज है, उसमें जो ये सब चीजें हाँ होती हैं, वो पहले से बता के नहीं रखते ना वो लोग, वो बाद में डिसाइड होती हैं। वो रख भी नहीं, हाँ वो रख भी नहीं सकते, मैं हाँ समझता हूँ। बट मैं तेको ये बताऊं कि चाहे कुछ भी हो, वो फिर कांग्रेस भी हो पावर में या कोई भी पावर में हो, सबने अपना ओपोजिशन अपना कर रखा। हाँ ओपोज ओपोज तो करना ही होता है, करना ही होता है, ठीक है। और हाँ कुछ भी ये करे, कुछ भी कोई भी वो करे। लेकिन अब जैसे तूने इसके बारे में बोला, डीमोनेटाइजेशन और जो नोटबंदी हुई थी, हाँ राइट, मेरे हिसाब से ना डीमोनेटाइजेशन वाज नॉट अ सक्सेस, क्योंकि मतलब किन्हीं 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 के हाँ लिए हो सकता है कि जो जिस एस्पेक्ट को देख रहे होंगे जहां पे हेल्प हुई है, बट आई थिंक जिस मेरे को लगता है डिमोनेटाइजेशन का एक फायदा हुआ है, बस जस्ट एक फायदा, कि लोग पहले बहुत कैश में डीलिंग्स करते थे, अब पेटीएम फोन पे ये ज्यादा हो गया। हाँ ये काफी हद तक ज्यादा हुआ है। पेटीएम वेटीएम जिन्होंने नाम भी नहीं ऑनलाइन सुना था, ट्रांजैक्शंस, जिन्होंने नाम भी नहीं सुना हाँ था, वो भी हाँ आज की डेट में करते हैं, वो तो मेरे को अब भी तू देख पता है। पनवाड़ी पे भी अगर बस कैश ना हो हाँ तो पेटीएम पेटीएम से कर वेटीएम सकते होगा। हैं, हाँ देख, ये एक ठीक सही है। चीज हुई है, बट द हाँ फैक्ट कि जब भी आया था वी वर एक्सपेक्टिंग कि भाई करप्शन हाँ गया, अब ये कुछ भी नहीं हो सकता है, अब बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो वो करप्शन तो यार देखो, पता बताऊं, कुछ अमाउंट ऑफ ब्लैक ब्लैक मनी इज रिक्वायर्ड इन द इकोनॉमी हाँ टू वो तो है, वो तो एक्चुअली है। टू मेक द इकोनॉमी और वर्क, जो ये तेरा एक लेवल का फैक्ट है चलता ना, है। ये जो तेरा एक्सप्लेनेशन है हाँ ब्लैक मनी जरूरी है इकोनॉमी, हाँ दिस इज टोटली अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ये नोटबंदी, हाँ है ना, क्योंकि हाँ इन्होंने ब्लैक मनी को सर्कुलेशन से निकालने के लिए ही किया था ये, है ना। अब यू कैन, जब भी बीजेपी जब भी ये निकाली तो तब भी तो लोगों को लग गया था कि बिल्कुल ही खत्म हो गया, अब करप्शन भी नहीं, कुछ नहीं वो नहीं, बट आफ्टर दीज ब्लैक लॉन्ग मनी, इयर्स मेरे को लग। मैं तेरे को बताऊं, ब्लैक मनी इज नॉट इन द ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है। तो उसने तो सिर्फ डिमोनेटाइजेशन किया था, उसने गोल्ड पे तो कुछ नहीं किया था। अगर मैं मैंने समझ गया, इतना, मैं बट बस, एट दैट हाँ टाइम कैश में हाँ भी बहुत ज्यादा भाई काला धन था, हाँ मतलब बहुत ही ज्यादा, ऐसा लोगों भी के नहीं पास था बिल्कुल। बहुत हाँ था, तो मैं वही बोल रहा पर हूँ मैं ना ये, कि तू इतने सालों बाद अभी देखेगा तो उस चीज में कोई इफेक्ट अभी तक नहीं देखा, है नहीं ना। हुआ है। हाँ इतना मैं मानता हूँ इस बात को, सिवाय एक ही चीज सही हुई है जो मेरे को खुद ब खुद भी लगी कि यार चल ठीक है, पेटीएम वेटीएम तो यूज करना शुरू कर दिया एटलीस्ट हाँ लोगों ने, लोगों ने शुरू कर बस। दिया है ना, हाँ वो एक चीज है। एंड अब और उसकी जो, क्योंकि एट द टाइम वी वर होपिंग कि ये सही डिसीजन है, ये सही डिसीजन है, जीएसटी भी अच्छा है, ये है, बट आफ्टर दीज इयर्स मतलब 6-7 साल बाद हमें इतनी एक्साइटमेंट है नहीं उस जो भी डिसीजन, हम भूल भी गए कि ये कुछ भूल गए था, हैं। हमको कुछ पता है ऐसा कौन सा था। याद है, हमको पता है कौन सा याद है, ये कश्मीर वाला, हाँ वो हमेशा याद रहेगा हमको, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली, ठीक है, हाँ क्योंकि क्योंकि वो कुछ हद तक सही हुआ मेरे हिसाब से। बहुत लोग बोलते हैं, जम्मू के वही लोग मैं बोल बोलते रहा हूँ हैं। ना कि ये वाला भी डिसीजन, ये CAA और ये जो आर्टिकल 370 या ये हटाया इन्होंने, तो ये जो है इसका जो इफेक्ट है ना वो भी काफी सालों बाद पता चलेगा, जब भी सारे जितना भी डाटा है वो हमारे पास होगा, और हम उससे एक वो बना सकते हैं कि इस लॉ के क्या हाँ प्रोज है और क्या कॉन्स है। आप कौन से, हाँ देखते ही नहीं बोल सकते कि ऐसा होगा, माइकल बेरी नहीं है भाई कोई, मतलब हाँ माइकल बेरी एक ही है कि देख के बता सकता है कि भैया डूबने वाला था, नहीं है ना। तो तू सही बोल रहा है, बट मैं इस, मतलब जितना अभी तक आया हुआ है, इसको भी काफी टाइम हो गया, 3370 को भी, जो कितना टाइम पहले हुआ जैसे हर ये इसी दो इसी टर्म साल में तो तो हो हटा गए। है, इसी टर्म इनके इसी टर्म में तो हटा है 370 हाँ 2 साल तो हो गए ना, 2019 में आई थी ना भाई, बीजेपी फिर से। बहुत 2 साल में भी पता नहीं लगता है। मेरे को लगता है हाँ आराम से 5 ईयर प्लस में पता लग बट मैं जाता है ये बोल कि रहा हूँ, क्या जब है जब क्या। जब एब्रोगेट हो गया था, हाँ तो पहले तो जो पता है लाल चौक पे क्या होता था, अब लाल चौक पे तिरंगा लहराता है, ठीक है। बस पहले कभी भी वो बोलते थे कभी भी यहाँ पे तिरंगा नहीं लहरा सकता, बट अब क्या है, अब देख। मैं ये बोल रहा हूँ कि चल देख लेंगे, मैं तो ये, ठीक है। और डिमोनेटाइजेशन वाज समथिंग व्हिच वाज एक्चुअली
मतलब मेरे को नहीं पता कितना मैंने, क्योंकि मैंने रिसर्च नहीं किया इतना, बट मेरे को उससे उस वाले उससे भी ना इतना मेरे को फर्क नहीं पड़ता. बस ये था कि हाँ मतलब पेटीएम वेटीएम ये जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रही थी ये स्टार्ट हो गई बस. ठीक है सही है, क्योंकि मैं मेरे को लगता है कि ये जो ट्रांजेक्शन होती है ना पेटीएम वेटीएम वाली ये सही होती है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी रहती है. कोई बंदा कैश में, पहले होता हाँ था ना कैश सारा कैश वाइट वाइट ही ट्रांजेक्शन तो है, सारा वाइट ही तो है फिर ये। वाइट है. हाँ एग्जैक्टली हाँ, तो जो कैश में होता था पहले वो तुझे पता है क्या होता था, तेरे को हाँ तो पता ही है. ठीक है, अगर कोई बंदा तेरे को आके बोले कि मेरे को ये सामान लेके जाना है तेरे दुकान से, मैं कैश मैं तेरे को बाद में दे दूंगा, या फिर कई लोग तो अभी भी होता देते भाई, थे. वो हाँ तो अभी भी होता है इंडिया भाई, अच्छा इंडिया में होता अभी भी होता। हाँ, बाद में दे दूंगा या कुछ नहीं दूंगा या कुछ पता नहीं क्या. ठीक है, तो मुझे ना मुझे ये लगता है कि इनका ना मतलब मोटिव सही है, बस इनके जो एमएलए एमएलए हैं या जो एमपी हैं नीचे या वाले जो हैं ना वो बोल के ना ऐसा खराब हैं वैसा है ना, आई वो डोंट खराब थिंक कर सो देते कि हैं. मोदी की जो एक वो बोलते हैं ना कि मतलब व्यू. हम मुस्लिम के अगेंस्ट है ये, हाँ मेरे को नहीं हाँ लगता मोदी है हाँ हाँ क्या। मेरे को ये लगता है कि उसके जो नीचे जो काम करते हैं जितने भी हाँ मंत्री एमएलए, उनकी सोच ऐसी है, वो मे हैं. बी हाँ है ना, हाँ मे बी। हाँ एंड हमने सुना भी है बहुत ऐसे ऐसे चीजें या कि बोलते हैं ये लोग, बट इट डजेंट चेंज द फैक्ट कि मोदी वैसा व्यू वाला नहीं है, क्योंकि नहीं आई है. डोंट थिंक हाँ सो उसने आज तक तो कुछ ऐसा बोला भी है कि मतलब बोला होगा, हाँ बहुत सारी ऐसी ऐसी होंगी बोला या होगा, बट आई डोंट थिंक सो कि उसका वो मोटिव है कि भैया मेरे को हाँ मतलब आई हेट मुस्लिम्स ये वो सो, आई या डोंट थिंक सो। तेरे को पता है क्या लगता है कि तेरे को ना काफी चीजें ना पता नहीं है, काफी चीजें पता नहीं है तेरे को. तू अगर तू इन चीजों में घुसेगा ना तो तभी ना तभी मैं तू जो मेरे को बोलता है कि 2 साल पहले मैं ऐसा था, नहीं, क्योंकि मैं तेरे को सही बताऊं मैं क्या करता हूँ, मेरे को कुछ मेरे को चीजें नहीं पता घुसना थी है, मेरे को नहीं घुसना। अगर हाँ मैं. किसी के चीज में हाँ मैं क्यूरियस हूँ हाँ तो मैं घुस जाऊंगा, हाँ लेकिन अब ये है ना हाँ कि मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहली बात तो कोई भी न्यूज देखनी है कुछ भी मैं इनकॉग्निटो में देखता हूँ, ताकि मेरे को रिकमेंड ही ना हाँ करे आने वाले अच्छा. टाइम में, बिकॉज आई मैं डोंट तो वॉन्ट टू गेट भाई बॉम्बार्डेड मेरा विद मेरा दीज। मेरा मेरे मेरे ऑब्सेशन में हाँ पता क्या आता है, मेरे ऑब्सेशन में आता है गाने आते हैं और वो आते हैं गेम्स वेम्स कैरी मिनाटी हाँ वराटी हाँ बस. ठीक है, हाँ बिकॉज द थिंग इज आई डोंट, मेरे को ना मैं बिल्कुल अब ना एक मैंने इन शॉर्ट्स भी हटा दिया है, क्योंकि हटा क्या दिया मैंने, मेरे सिंस मैंने नया फोन लिया तो मैंने इन शॉर्ट डाला ही नहीं है उसमें. इन शॉर्ट्स में भी ना वही आता रहता था आई थिंक मेरे को कि अगर तेरे को कुछ देखना भी है ना, मैं तो रेकमेंड करूंगा इन हाँ इन आपका कॉग्निटो में देख, जिस जो जिसको तू देखता हाँ है जो है ना, मैंने और शाम ये जो है ओपन लेटर श्याम शर्मा, ये मुझे पता है कि ये स्पेशली ओपन लेटर ये तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स बताएगा. थैंक्स बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे ऊपर है तुम क्या करोगे उनके उसके साथ. ठीक है, तुम्हारा ओपिनियन क्या बनेगा उससे, ये तुम्हारे ऊपर है. मुझे क्या लगता है कि तुम चाहे जितने मर्जी पॉलिटिकली एक्टिव हो जाओ, तुम्हारे पास एक राइट है, वो है राइट टू वोट. ठीक है, तो मैं अगर तेरे को कुछ भी बोलूं, चाहे मैं तेरे को प्रूव करके, प्यार से प्रूव करके भी दिखा दूं, बट फिर भी योर माइंड सेट इज नॉट गोइंग टू चेंज. मेरे हिसाब से बहुत लोगों का माइंड सेट चेंज नहीं होता है. तू उसी को वोट करेगा जो तेरे को, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस. ठीक है, जो तेरे को सही लगेगा. ठीक है ना, चाहे चाहे उसकी चाहे वो जैसा भी हो, चाहे वो मतलब पार्टी या जो जिसको भी वोट कर रहा है जैसी भी हो. ठीक है, सेम इज वही ना. तो इट्स 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 एक्चुअली ऑफ नो यूज, टू बी ऑनेस्ट. यू वुड गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट, एंड जस्ट तुम्हारा तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, नहीं, तुम्हारा अगर दिमाग तू ये खराब बोल होगा. रहा है क्या कि वो जो कंटेंट देख के तुम्हारा हाँ वो चेंज नहीं होगा, भाई होता है, मैंने इट इज अ प्रॉब्लम ना, मैंने देख रखा है ना, बिकॉज यार, मैं भाई एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, लोगों का चेंज होता है होता है, बट ना वो ना 10 में से या 100 में से एक ही होता है, क्योंकि वो बंदा जेन्युइनली न्यूट्रल होता है नहीं, तू मेरे को ये जिसका. बता, तू मेरे को हाँ ये हाँ बता, अगर हाँ कोई ऐसी वीडियो आ रही है बार बार मेरे हाँ फोन में कि उसमें हाँ दिखा रहे हैं कि मतलब हाँ इट इज मेकिंग यू वेरी इमोशनल एंड वेरी एंग्री, राइट, हाँ वेरी एंग्री तो एट द लेफ्ट, सेम टाइम, अगर तू लेफ्ट लीनिंग है तो लेफ्ट टू राइट हो सकता है.
नहीं हो सकता ना, या हाँ मैं हो सकता हूँ, मतलब अगर इफ आई वॉच, अगर मैं राइट वाला देखना शुरू कर दूँ, इट हाँ। विल मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन माय ब्रेन, मतलब। और अगर आप वही चीजें देखते रहो देखते रहो देखते रहो, और जो एल्गोरिथम है ना, इट इज वेरी स्मार्ट, राइट। और तू अगर बट लेफ्ट लीनिंग है, मैंने बहुत कम लोगों का देखा है जिनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज चेंज होता है, चाहे वो राइट हो भाई चाहे वो लेफ्ट हो, तू तो मेरे इट को इज ये बता, एक्चुअली। तू मेरे को ये बता, मैं तेरे को एग्जांपल दूं, हैं, जितने भी तू एमएलए एमएलए देखता है, जितने भी तू ऐसे लोग देखता है जो कि बिना सोचे समय समझे कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी वो कर देते हैं, मुस्लिमों के बारे में कुछ भी बोल देंगे, है ना, जो अल्ट्रा राइट विंग होते हैं, तो क्या लगता है उनकी जो इंस्टाग्राम फीड है और फेसबुक फीड में क्या आता होगा? यही सब चीजें तो आती होंगी, यही सब थिंक चीजें देख देख हाँ, के हो रहा है ना। एंड उसमें एमएलए एमएलए व्हाट्सएप भी एमपी है भाई, एमएलए एमपी तो यार उनका तो, भाई, यार उनका तो काम ही है। सबके अगर तू मोबाइल में देखेगा, एवरी वन हैज एल्गोरिथम ने पकड़ लिया उनको कि उनको कैसी वीडियो देखनी पसंद है। लेफ्ट लेफ्टिस्ट को अगर तू कोई ऐसी वीडियो दिखाएगा जो राइट विंगरों के लिए बनाई है, वो स्किप कर देगा उसको, है ना। एल्गोरिथम को पता है ये बंदा इन वीडियोस के लिए नहीं है ना। वो तो तो है, हाँ, वो तो यार तू एक ऐसी, वो तो बहुत ऑब्वियस चीज है। जो मैं इतने क्या बोल रहा हूँ लेफ्टिस्ट हैं जो कि बिल्कुल ही पैदल हैं दिमाग से, जिनको कुछ फैक्ट वैक्ट पता ही नहीं है ना, वो क्यों पता है इन्फ्लुएंस है? कि मुझे। उन्होंने वीडियो देखी है वो सारी जो उनको दिखाई है इंस्टाग्राम में। तुझे तुझे ये नहीं लगता कि दे आर जो लेफ्टिस्ट हैं बेसिकली, दे समवट या तो ये फंडेड है, फंडेड भी हैं ही, वो अलग चीज है, बट दे आर एक्चुअली ड्रिवन बाय देयर बाय अ रेडिकल माइंडसेट देमसेल्व्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द वंस, और तुम ते को मैं एजुकेटेड वंस की भी बात कर रहा जो जो कि देखो, मेरा एक सिंपल सा फंडा हूँ। है, जो बंदा अक्नॉलेज नहीं कर सकता राइट विंग के जो लोग हैं उनका फैक्ट, एंड विच इज अ राइट फैक्ट जो कि प्रूव भी है, सब कुछ है, जो बंदा उसे भी निग्लेक्ट कर दे और बोल दे नहीं वो भी गलत है विदाउट एनी रीजन, तो वो तो तो रेडिकल है ना, वो तो बिल्कुल ही, वो तो गया राइट, वो तो वो अल्ट्रा रेडिकल है। लेफ्ट हो गया, वो पूरा मतलब पूरा चला गया वो उसमें, है ना। एंड उन लोगों का कैसे हुआ है इतना माइंड इस चीज में सेट, बिकॉज उनको वही कंटेंट फीड हो रहा है राइट, यूट्यूब और ये कहीं पे भी व्हाट जाते अबाउट, हैं। ठीक है, चल वो लेफ्ट राइट छोड़। अब तू एक बात बता, जो ये जो रेडिकलाइज मुस्लिम्स हैं, ठीक है, ये रेडिकलाइज हिंदूज हैं, ठीक है, रेडिकलाइज मुस्लिम्स दे ऑब्वियसली सपोर्ट लेफ्ट विंग बिकॉज दे वॉन्ट टू, ठीक है, जो भी दे आर एंटी बीजेपी एंड एवरीथिंग, उनके उसमें भी कोई वही आता होगा, एंटी बीजेपी एंटी मोदी का जो भी होता है, मतलब कंटेंट हाँ है ना, हाँ तो और वो लोग वैसे हैं जिन उनको पता भी होगा कि शायद ये फैक्ट है जो ये सही बोल रहे हैं राइट विंग वाले, वो फिर भी वो नहीं करेंगे, हाँ नहीं दे वुड नॉट करेंगे ना, एक्नोलेज इट। बिकॉज हाँ, दे आर बिकॉज दे आर ब्लाइंडेड बाय द रेडिकलाइज्ड। फैक्ट कि उनकी ही साइड सही है राइट। और अगर जो फैक्ट को देखते हुए भी बोले ना कि नहीं ये नहीं है सही, तो वो या तो उसको रेडिकलाइज्ड है खरीद भाई। रखा है राइट, या तो उसको खरीद रखा है, या तो वो पूरा ही चला गया है वहां पे, है ना। रेडिकलाइज्ड। हाँ, एंड राइट में भी ऐसे लोग हैं बहुत सारे और लेफ्ट में अब भी बहुत जैसे सारे ऐसे जैसे लोग हैं। रेडिकलाइज्ड हिंदूज हैं, अब दे वुड नॉट अग्री टू द फैक्ट दैट कांग्रेस के टाइम पे भी बहुत डेवलपमेंट हुई है, ये फैक्ट है, चाहे उस टाइम पे स्कैम हुए हो, स्कैम भी फैक्ट है, ठीक है। अब डेवलपमेंट वाला एंगल तो ये रेडिकल जो ये अल्ट्रा राइट विंग है वो नहीं मानते डेवलप, उन तो बोले नहीं हुई नहीं हुई नहीं हुई, भैंचो गुड़गांव कैसे बन गया इतने टाइम, मतलब वो भी एनीवेज, तो ये और ये लेफ्ट विंग वाले ये नहीं मानते कि स्कैम हुए हैं, बोलते हैं नहीं स्कैम तो मतलब हुए हैं पर बीजेपी वाले ज्यादा स्कैम करते हैं, अब उनके पास कोई वो नहीं होता, वो नहीं है ना। अगर हाँ, अगर ठीक। आप कुछ ऐसा प्रूफ लाओ और कुछ ऐसा दिखाओ, देन वी कैन हैव अ कॉन्वर्जेशन। बट इस चीज में कॉन्वर्जेशन हो ही नहीं सकती जो कि एक वन लाइनर है कि नहीं मैं नहीं, कि मेरे को लगता है कि हाँ बीजेपी उसमें स्कैम हुआ है, कॉन्वर्जेशन खत्म है वहां हाँ पे, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ एग्जैक्टली इस चीज में बात करने, क्योंकि कोई फैक्ट है नहीं, क्योंकि तुमने कोई फैक्ट प्रेजेंट नहीं किया, कॉन्वर्जेशन वहां खत्म हो गया है ना। अगर आप कोई अब जैसे जब राहुल गांधी रफाइल के बारे में बोला था कुछ, ठीक है, तो उसने बस ये बोला था कि रफाइल में ये हुआ है, अब उसने हर
हर जगह जितनी भी उसकी रैलीज हुई थी, उसकी प्रियंका गांधी की भी रैलीज हुई थी, उन सब ने जो डेटा दिया था, हर रैली में उसने कुछ और नंबर कोट किया था, सेम इज द केस विद प्रियंका गांधी. तो एक बात बता, एनीवन विद सेन माइंड वुड थिंक ना यार ये चूते काट रहे हैं, ये एक इनको खुद नहीं पता क्या क्या है क्या नहीं है. ठीक है, मतलब ये है ना एक एक हार्ड फैक्ट्स होता है ना कि आप स्पेकुलेशन कर सकते हो, एंड स्पेकुलेशन भी तब इंटरेस्टिंग लगता है जब व्हेन इट्स अ वेरी वैलिड स्पेकुलेशन, व्हेन इट इज बैक्ड, व्हेन इट इज बैक्ड बाय समथिंग, कुछ तो हो कि इफ इट इज वेरी वैलिड स्पेकुलेशन वेयर इट इज ऑब्वियस कि हां कि मतलब ऐसा हुआ हो, है ना, जैसे वो गैंगस्टर का था, है ना, मतलब वो स्पेकुलेशन है, बट इट्स अ वेरी वैलिड स्पेकुलेशन, है ना. तो वही है कि अगर आप एवी बोल रहे हो कुछ भी तो फिर यार तो उसमें अब जैसे उस केस में भी लेफ्टिस्ट क्या बोल रहे थे, इसको इसलिए मार दिया क्योंकि बीजेपी के एमपी या एमएलए जो भी बीजेपी के मेंबर हैं उन उसके अगेंस्ट विकास दुबे कुछ उगल देता. बाद में पता लगा कि विकास दुबे की वाइफ ने बताया कि she was a part of समाजवादी पार्टी एंड विकास दुबे was actually working for a member of समाजवादी पार्टी. ये पूरा एक documented एक वो है कोर्ट का वो. ठीक है, लोग ना ये लोग नहीं पढ़ते हैं तो जो कोर्ट की findings होती हैं. अगर आपके पास कुछ ऐसे facts हैं जिसके बारे में conversation हो सकती है, then the conversation gets interesting. नहीं तो वो तो annoying है ना, जो भी conversation हो रही है वो annoying है. But मैं बताऊँ, अगर 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 योगी के टाइम पे, मतलब मेरे को नहीं लगता योगी के टाइम पे भी हुई है डेवलपमेंट. ऑब्वियसली मैं डेवलपमेंट इन द सेंस में ये बोल रहा हूँ, जैसे ये जेपी ग्रीन का वाला जो काम है ये हो गया, भाई दादा तुझे पता ही होगा हो गया इन द सेंस, सुरक्षा ग्रुप को मिल गया, पता नहीं कि कब होगा कैसा. थोड़ी बहुत तो हो रही है इंप्रूवमेंट, बट लेट हो रही है. मेरे को लगता है कि बहुत, मतलब बहुत पहले एग्जैक्टली मतलब मेरे को लगता है कि योगी के आने के 2 साल बाद तक हो जानी चाहिए थी. बट ना मेरे को नेक्स्ट टर्म, मेरे को ना एक सिंपैथी भी होती है जितने भी आप पॉलिटिशियन सीएम्स हैं जितने भी हैं और पीएम पे, क्योंकि ना देख मैं क्योंकि अगर हम क्रिकेट मैच में देखते हैं ना, हम जब भी इंडियन टीम हारती है तो बहुत इजी है कि भैया तुम तो ये हो, तुम तो वो. मैं देखो सही बताऊं, मैंने क्रिकेट खेल रखा है ना, जब भी कोई पहली बार जिंदगी में पहली बार पैड पहनता है ना, उससे पूछना एक बार उसको कैसा फील हो रहा, वो भाग नहीं पाया उसमें, है ना. तो बड़ा इजी है बोलना कि भैया इनको तो खेल साइड लाइंस में बैठ के ना सबके सब बोलते थे. हाँ, लेकिन ना इनको कंट्री चलानी नहीं आती, इनको ये नहीं करना आता. इट इज, और यार कंट्री के तो वो छोड़ो भाई, इफ यू आर मीटिंग सम इंटरनेशनल पर्सनैलिटी लाइक जैसे कि ट्रम्प हो गया, ओबामा, पुतिन, ये वो सो राइट भाई. ये लोग ना, ये लोग मेरे को लगता है लताड़ जाते होंगे भाई कोई भी. अगर अगर देखो क्या लगता है, अगर इफ समवन हु इज नॉट केपेबल इनफ पुतिन से बात करे, ट्रम्प से, भाई कच्चा चबा देंगे, कच्चा चबा देंगे, है ना. एंड वो एक चीज है, देन योर कंट्री, मतलब जो जो तुम्हारी कंट्री उसमें इतने सारे हैं, इंटरनेशनली भी साले ये सारे भूखे बैठ रखे हैं. तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, इट इज नॉट एन इजी जॉब. आप किसी को आराम से बोल दोगे ये तो इससे तो ये नहीं गया, वो नहीं गया. तो मैं मतलब, लेकिन मेरे को मोदी से भी प्रॉब्लम है, मेरे को मोदी से भी प्रॉब्लम है, बिकॉज वो जो इंटरव्यू नहीं देता है राइट, जो उसने, अगर इफ ही इज सो पैशनेट अबाउट दिस लॉ तो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस दे एंड जो भी क्वेश्चन का जवाब दे, राइट, दैट शोज दैट कि तुमने कुछ इसमें इनपुट है तुम्हारा, कुछ तुम्हारी शो. तुझे ये लगता है कि वो इंटरव्यू इसलिए नहीं देता क्योंकि वो बुड्ढा हो गया, बोल नहीं पाएगा इतना, बोल नहीं पाता. बोलता तो बहुत अच्छा है, बोलता तो बहुत अच्छा भाई, इतने बोलने में तो नहीं है उसका कुछ. नहीं, जब द थिंग इज कि देख, पता है क्या मेरे को क्या लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, पूरी प्रेस या इंटरव्यू हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ तू, इंटरव्यू हो, बट 1-to-1 हो मेरे हिसाब से. 1-to-1 समझ रहा है, भी देखेगा अमेरिका में जो प्रेसिडेंट, नहीं तू सही बोल रहा है, वो भी देता है. इट्स अ प्रेस कॉन्फ्रेंस और सब एक एक करके पूछते हैं और प्रेसिडेंट के पास टाइम है बोलने का. मुझे पता है, मुझे पता है, बट द थिंग इज
इन दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल्सो ट्रम्प बहुत बहुत होता है, दे हाँ दे हैव बहुत दे होता है, हैव बहुत या होता एंड दे हैव सर्च्ड ऑल्सो, वो है, हाँ क्वेश्चंस को हाँ वो भी करते हैं, हाँ ठीक है। हाँ अब मोदी भी कर सकता है यहाँ पे क्वेश्चंस को हाँ वो, हाँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं, मेरे को भी लगता है कि वो करे। और एक बार ना अगर तेरे को, अगर देख भाई मेरे को लगता है कि तेरे पास फैक्ट्स भी होंगे, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि तू तो हाँ भाई, हाँ तो हाँ जाके बोल ना भाई, बोल दे जाके। तो मैं यही बोल रहा था यार कि मेरे को भी लगता है कि ही शुड डू इट। मेरे को ये भी लगता है कि यार अगर नहीं होता ना तुझसे, तो एट द वेरी लीस्ट तुझसे नहीं होता तो अमित शाह तो कर सकता है ना प्रेस नहीं कॉन्फ्रेंस। भाई पता हाँ नहीं, यही है मेरा तो यही कहना है कि बहुत सारी उसकी क्वालिटीज ऐसी भी हैं जो कि मैं जिससे एग्री नहीं करता हूँ, हाँ बट हाँ ये है कि कहना कि वो बेकार ही है, हाँ इट इज नॉट एट ऑल फेयर मतलब सेंटेंस। तो बेसिकली द थिंग इज कि जब भी ऐसे कोई लीडर्स आते हैं ना, तब हमेशा दोस्त द कंट्री फक द कंट्री, द एंटायर वर्ल्ड लाइक हैज हाँ हाँ दे टेक साइड्स, ठीक है। हाँ दे आर लाइक, अब यार एक बात बता, अ लीडर लाइक जॉर्ज बुश और अ लीडर लाइक क्या नाम था उसका, अब जॉर्ज बुश के टाइम पे जॉर्ज बुश भी वाज वाज अ वेरी मतलब ही वाज अ वेरी कंट्रोवर्शियल लीडर आल्सो, बट उस टाइम पे भी ना ही मतलब ही यूज्ड टू बी वेरी क्या बोलते हैं उसे, वेरी डिप्लोमेटिक डिप्लोमेटिक। सेम इज द केस विद मनमोहन सिंह, ही वो यूज्ड टू बी वेरी डिप्लोमेटिक, ठीक है। अब मैं पता है कि लीडर्स चाहता हूँ जो ना काम करें और बताएं, हाँ भाई अकाउंटेबिलिटी हो, ठीक है। अरे यार मेरे को फर्क नहीं पड़ता है वो बुड्ढे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि बुड्ढे ना हो ऑब्वियसली, 50-60। एक तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि लीडर्स ऐसा क्यों है कि लीडर्स 50-60 के उम्र के बाद ही प्राइम मिनिस्टर कोई बन सकता है, या पता नहीं क्या है। हाँ ये थोड़ा वो है हाँ इस, हाँ मेरे को यही तो है, मेरे को मनमोहन सिंह का भी लगता है कि यार उसपे मतलब जितना मोदी ने किया है ऑब्वियसली उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो भी प्राइम मिनिस्टर रह चुका है एंड हाँ वीजेस से चुप रहता है डूड। एक तो वो प्राइम मिनिस्टर है, ऊपर हाँ से ये ओबामा ओबामा से डील कर रहा है, ऊपर से ये सोनिया गांधी और इन लोगों की भी सुन रहा है भाई, उसने तो तुझे और काम तुझ किया है, उससे तो मोदी से ज्यादा काम किया भाई, मैं सही बता रहा हूँ। सोनिया गांधी, यार मुझे क्या लगता है कि मनमोहन सिंह वाज एक्चुअली समवन हु वाज जस्ट द फॉल गाय, इफ अगर समथिंग, बिकॉज वॉट हैपन्ड वॉज सोनिया गांधी वॉज सपोज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, बट शी ऑप्टेड आउट बिकॉज शी थॉट दैट इफ समथिंग हैपन्स एंड शी वुड बी डायरेक्टली अकाउंटेबल फॉर वट एवर हैपन्स इन द कंट्री, वट शी वुड बी डायरेक्टली अकाउंटेबल। वट हैपन्ड वॉज दैट ड्यूरिंग द मनमोहन एरा ऑल्सो देर आर, सी वही होता है ना कि जो सपोर्टर्स होते हैं वो कुछ भी हो दे आर गोइंग टू से दैट हाँ नहीं नहीं नहीं, और जो उसके अगेंस्ट होंगे वो ऑब्वियसली वो बोलेंगे हाँ नहीं ये वो जो भी, ठीक है। तो द थिंग इज कि ये हमेशा बढ़ जाता है, ठीक है। तो मेरे को ये लगता है कि मनमोहन के टाइम पे भी जो चीजें हुई है ना, वो भी कुछ कुछ चीजें सही नहीं हुई हैं, कुछ चीजें बहुत हाँ अच्छी भी हुई हैं। वो तो ऑब्वियसली बात हाँ है, बट आई एम जैसे सेइंग फॉर कि एग्जाम्पल, भाई इतना ज्यादा जो मोदी के ऊपर भी है इसके ऊपर भी था, प्लस इसके जो कांग्रेस अब के देख जितने भी थे राहुल गांधी और ये सब है ना, तो मैं वो मेरे बोल रहा हूँ एक चीज कि ठीक है। को पता क्या लगता है, मेरे को पता क्या लगता है कि ये जो अगर कांग्रेस आ जाती ना अभी 2019 में, और मान ले राहुल गांधी बन जाता प्राइम मिनिस्टर, तो दीज पीपल वुड नॉट हैव आस्क्ड अ सिंगल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते जो रवीश कुमार, जो ये और जो ये कितने सारे हैं ये, ठीक है। तू देख लियो कि इवन ड्यूरिंग द मनमोहन एरा कैन यू रवीश कुमार डिड इमेजिन कि अभी तक क्या होता अगर राहुल गांधी 2014 के उसमें, नहीं 2014 तुझे चल 2014 छोड़, 2019 में आता वो, 2014 मान ले तो ये हो जाता। 2019 का तो बड़ा इजी है, ये सी ये नहीं आता, मैं तो बोलूँ कि 2014 से और सीधा अभी तक हाँ मतलब ना डिमोनेटाइजेशन होता, ना जीएसटी हाँ होता, यार ये सब कुछ तो तुमको मतलब तुमको ये नहीं, तुमको तुम तुम्हारे तुम्हारे पास ना पेटीएम आता ना ये, मेरे हिसाब से नहीं आता, क्योंकि यू वुड हैव बीन, आवर कंट्री वुड हैव एक्चुअली नॉट
लाइक डेवलप्ड टेक्नोलॉजिकली मेरे हिसाब से. बिकॉज द थिंग इज अगर सब लोग कैश में ही डीलिंग कर रहे हैं यार, जब देयर नीड्स टू बी अ स्टिमुलेंट. एंड मेरे को डीलिंग मतलब तू उसको इक्वेट कर रहा है इससे कि पेटीएम वेटीएम से हाँ इससे, बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि इकोनॉमिक जो अभी है तुझे क्या लग वो रहा है सही कि होता नहीं होता, मतलब अभी तो स्पेकुलेशंस है, आई हैव नो आइडिया कि क्या होता क्या, बट इट इज मतलब इट्स भाई एन देखो एक बात बताऊं, इंटरेस्टिंग थॉट. मैं यू नो व्हाट, इट इज एन इंटरेस्टिंग थॉट. यू नो व्हाट, डेटा है ठीक है, बीजेपी के टाइम का डेटा है और इनके टाइम का डेटा भी है, वो तुमको सब बता देगा. तो मनमोहन के टाइम का भी डेटा है कि किस टाइम पे कैसी जीडीपी क्या थी, एनडीपी क्या थी, सब सब पता सब सब है एक्चुअली. 2012 में भी एक पूरा बट क्वार्टर मेरे था को ये जिसमें है ना जी. कि हाँ तू सही बोल रहा है, इकोनॉमिकली आप बोल सकते हो कि उनके टाइम पे भी नहीं था ये नहीं था, बट बीजेपी टू से कि 5 जो ट्रिलियन की है ये है वो है, मतलब इफ दे डोंट हैव द रोड मैप, मतलब आपके पास इतना कुछ है नहीं एंड यू कांट एक्सप्लेन कि ये कैसे होगा, तो मेरे को ये लगता है क्यों क्यों कहना है, क्योंकि ये मोदी ने भी कहा है, ये अमित शाह ने भी कहा, और नीचे जितने सब उन ने सब ने कहा कहा है. है और ना. मैं तेरे को बताऊं, तू जो ये बोल रहा है ना, तेरे पास मतलब रोड मैप नहीं है, तो मेरे को क्या लगता है कि रोड मैप इनके पास है, अभी भी है. क्यों, अब मैं क्योंकि क्योंकि यार मैं थोड़ा ना ज्यादा, मैंने उस टाइम का पढ़ जितना भी मैंने देखा है, और क्योंकि तुम यू कैन एक्चुअली सी व्हाट इज गोइंग, व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन इन द एंटायर कंट्री, स्पेशली इन द बीजेपी लेड स्टेट्स. स्टेट्स. गुजरात, गुजरात का देख ले तू, गुजरात. अब तू अहमदाबाद टू मुंबई जो बुलेट ट्रेन चल रही है, बुलेट ट्रेन चल रही है. हाँ. स्टार्ट स्टार्ट हुआ है. देख मैं ये नहीं बोल रहा कि कब होगा 5 ट्रिलियन, अब तो मेरे को नहीं लगता. पापा भी मुझे बोल रहे थे 5 ट्रिलियन तो भूल अभी जाओ, तो है बिकॉज ही नहीं, इम्पॉसिबल है. हाँ. कोविड. यार मैं तेको बताऊं, मैं मेरी ऐसी बात हो रही थी मेरे दोस्त से यहाँ पे, वो मेरे को बोल रहा था इवन यूके की हालत बहुत खराब है, हाँ. यूके की, ऑस्ट्रेलिया की, यूएस की, सबकी, यूएस की स्पेशली, यूएस की, यूके की हालत तो इसलिए खराब है क्योंकि यहाँ पे मैन फोर्स नहीं है यार. यहाँ पे पैसा है बट यहाँ पे काम नहीं, मतलब यार ऑब्वियसली इफ इट द इकोनॉमी इज गोइंग टू टेक अ हिट, इफ इफ यू हैव मनी, इफ यू चल ठीक है, बस काम है बट लोग नहीं है काम करने के लिए, तो वो काम होगा ही नहीं ना. ठीक है, सो मैं दैट्स समझ गया, दैट्स तू व्हाट. हाँ पैंडेमिक का बोल रहा है ना, पैंडेमिक के वजह से भी स्लो हाँ हुआ है सब, लेकिन तेरे को नहीं हाँ लगता अगर पैंडेमिक नहीं भी होता है 2024 तक 5 ट्रिलियन हो जाती? मेरे हिसाब से 2030 तक होती 5 ट्रिलियन, मैं वही तो क्योंकि बोल रहा हूँ ना, इफ यू आर सेइंग दिस तो इसका मतलब हाँ यू यू नो समथिंग जो कि इंडिया हाँ की इकोनॉमी हाँ को आगे ले जाएगा, हाँ बट ये है पता ना है, पता है कि इनकी 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 गलती क्या रहती है. चलो ठीक है, तुम प्रोस्पेक्टस में ना ये सब चीजें लिखो, जैसे ये जो तुम बोलते हो सीए एनआरसी कर दूंगा, मतलब ये सब आ जाएगा, ये सब लिखो, बट जब इकोनॉमी वाली बात बात है ना, तो यू शुड हाँ. एक्चुअली शो समथिंग, बिकॉज अगर शो इकोनॉमी समथिंग. नहीं है, अगर इकोनॉमी नहीं है, तुम क्या चाइना से हाँ डिफेंड कर लोगे, तुम क्या पाकिस्तान से वो कर लोगे, है ना. अगर यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ, अगर आपको आगे बढ़ना है मतलब सारे सेक्टर्स में, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी तो आपकी ज्यादा होनी चाहिए ना, है ना. पाकिस्तान से हम क्यों नहीं इतना वो करते, क्योंकि उनकी इकोनॉमी ठप पड़ी है ना. तो इसलिए बोल रहा हूँ ना दैट इकोनॉमी इज वेरी इम्पोर्टेंट. तो पाकिस्तान से तो हमको कंपेयर ही नहीं करना चाहिए अपने आप को, हाँ किसी को नहीं करना चाहिए वही भाई. तो मैं बोल रहा हूँ ना कि हाँ हाँ पाकिस्तान से आप कंपेयर करते रहते हैं ये है पाकिस्तान, वो है, पाकिस्तान इज लाइक नेपाल टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान इज लाइक नेपाल, नेपाल इज एक्चुअली बेटर टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान से. हाँ मैं वही तो बोल रहा हाँ हूँ कि यही चीजें हैं ना कि हाँ हम पाकिस्तान से अपने आप को वो करते कंपेयर. हाँ हाँ अच्छे हैं, ठीक है ठीक, हाँ मतलब अगर हाँ 2 ट्रिलियन भी है हमारी इकोनॉमी हाँ तो भी हम ठीक है ना, ये हाँ सेटिस्फेक्शन बन जाता है हमें पता है, हमको कंपेयर करना चाहिए अपने आप को चाइना से. चाइना से. ठीक हाँ. है, मैं ये मानता हूँ कि जो लोग हैं यहाँ पे, यार देख लोगों का भी तो माइंडसेट होता है ना, लोग ना हमारे, तुझे पता है कितने चूते हैं इंडिया में. ठीक है, तो मुझे क्या लगता है कि दे शुड, भाई बहुत चूते हैं भाई, तू टिकटॉक इंस्टाग्राम रील्स ये सब क्या है. ठीक है, ये ना चाइना, चाइना है ना, मैं सही में मतलब ये टिकटॉक निकाल, मतलब जिसने भी ये नहीं, चाइना ने तो नहीं किया ये, बट जिसने भी किया मतलब उसी तेको कंट्री पता में. है मैं अभी जो रोगन
पॉडकास्ट सुन रहा था, चाइना ने टिकटॉक का जो है उन्होंने लिमिट लगा दी है अपने पर डे की अपने यहाँ, और लिमिट के बाद तुम्हारे स्वाइप करोगे ना ऐसे ऊपर तो उसमें नोटिफिकेशन आएगा कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप बहुत देर से कर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ आएगा जो भी है। मैं जो रोगन पॉडकास्ट सुन रहा था और उसमें और भी कुछ है यार, इतना सब कुछ उन्होंने लगा दिया है बिकॉज दे नो कि इससे पॉपुलेशन जाएगी गड्ढे में, गड्ढे में exactly. और यहाँ पे क्या है रील में, क्या है रील में तुम कुछ भी देख सकते हो क्या कुछ भी, वहां बताऊ क्या है, वहां 24 घंटे करते हो तुम रील यार, मतलब साइंस की रील जाएंगी, इसकी रील जाएंगी, उसकी रील जाएंगी। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये छमियों के लड़के छमिया के तरह नाच रहे हैं पागलों, पता नहीं क्या मतलब अगर तू अगर लॉन्ग टर्म इसका बेनिफिट देख नो ऑफेंस टू एनी कम्युनिटी, बट मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि इट इज जस्ट बिजार टू सी पीपल हु हैव तूने कुछ वैसा यू आर जोकिंग, मतलब तू जोक लिटरली नहीं बोल रहा है ऐसे। हाँ, मैंने जो लिटरली बोलते हैं उनमें तो कुछ होता नहीं है, हैं? हाँ, बट मेरे को लग यू मेड अ जोक बिग डील, मतलब ठीक है आटा, किसी को बुरा लगे आटा मारो गोली में। हाँ, तो वही है कि ना बहुत, किसके बारे में बात कर रहे थे मैं भूल गया साले, इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक। हाँ, तो लॉन्ग टर्म के लिए देखो, मतलब चाइना इज मतलब क्योंकि अगर 10 साल बाद तो देख हमारे सारे रील ही देख रहे होंगे और उनके थोड़ा एडवांस है ना साइंटिफिकली है ना, और इसमें मतलब ऑब्वियसली मतलब यार मैं क्या बताऊं, तो अब तू देख आईफोन बोल रहा हूँ, एप्पल ने अपना वो खोला, क्या बोलते हैं, वेयरहाउस बोल रहा हूँ, मतलब एक यूनिट खोली थी ना इंडिया में, इंडिया में तो वहां से सारे, हाँ, सारे के सारे आईफोन इन लोगों ने वो कर लिए थे, चुरा लिए थे सारे। हाँ, तो फ्री का आईफोन मिल रहा भाई। अब एक बात बता, कोई कोई टेस्ला या ऑल ऑफ दीस कंपनीज वुड दे वांट टू कम टू इंडिया, स्पेसएक्स आ रही है, स्पेसएक्स हायर भी करना शुरू कर दिया उन्होंने, पता नहीं अब SpaceX ने पता ना, नहीं क्यों काफी कंपनीज आ रही है इंडिया में ब्रो, काफी कंपनीज आ रही है इंडिया में, तो ये जो है ना, ये नितिन गडकरी, इसलिए जाके बोला भी था, मतलब बात भी करी थी इसने, इलॉन मस्क से मीटिंग हुई थी प्रॉपर, उसने बोला भी था कि आई अश्योर यू देयर इज गोइंग टू बी नो इश्यूज, ठीक है, आई एम गोइंग टू मेक श्योर द फैसिलिटी दैट इज क्रिएटेड फॉर टेस्ला इज इट्स गोइंग टू बी टॉप नॉच, ठीक है। हाउ डू यू थिंक अबाउट दिस आईडिया कि नितिन गडकरी है वो अगला पीएम, डू यू लाइक दिस आईडिया? आई लव द आईडिया ब्रो, बिकॉज वो एक ऐसा एमपी, वो एक ऐसा नेता है जिस जो हेटेड नहीं है, ही इज समवन हु लगता है कि वो मतलब वो यार जो ये जितने भी हाईवे बने हैं, ही इज बेसिकली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर राइट, तो जितने भी हाईवे बने हैं ये इसने तो करवाए हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो बनेगा नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट हिज एम्बिशन, दैट इज नॉट हिज गोल, बट मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा बंदा ही बने, ठीक है, और मुझे लगता है ये जो गौतम गंभीर टाइप लोग है ना, इनको ना थोड़ा, ठीक है यार, इफ यू हैव सम फैक्ट्स आल्सो, इफ तू सही भी है, तुम सही भी हो, तब भी यू शुड एक्चुअली टोन इट डाउन, ठीक है। व्हाई व्हाट हैपेंड, मतलब गौतम गंभीर का मेरे को नहीं पता, कुछ हुआ है क्या? गौतम गंभीर का कुछ नहीं हुआ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि वो अच्छा, ना यू जस्ट हैव एन ओपिनियन, मतलब कि उसको क्या, उसने पहले जो मतलब बोला हुआ है उस टाइम पे जब अच्छा। ये शाहीन बाग का केस हुआ था, शाहीन बाग का, अबे जैसे वो नहीं था यार, वो जो जिसने बेसिकली जो बीजेपी जो यार क्या नाम था उसका, जो पहले आम आदमी पार्टी में था, फिर कपिल मिश्रा। हाँ, तूने उसके भी देखे होंगे इंटरव्यूज, मेरे को ना मतलब वो बंदा पहले सही नहीं लगता था बिल्कुल, बट अब कुछ इंटरव्यूज में उसने कुछ ऐसी चीजें बोली हैं जिसमें मेरे को लगा यार ये बंदा सही भी बोल रहा है, बट मतलब बेसिकली ही उसका एक इंटरव्यू हुआ था किसी उसके साथ, क्विंट के साथ और द वायर वाले जर्नलिस्ट के साथ, तो उसने बोलने नहीं दिया उसको जर्नलिस्ट को बिल्कुल भी, मतलब बोलने नहीं दिया इन द सेंस कि ही वाज सो
the journalist was so dumbfounded कि उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या अब इसका रिटॉर्ट दूं, इसको इसका रिस्पांस क्या दूं इस बात का, ठीक है कि इसने क्या बोल दिया. बट मेरे को ना वही है कि इन लोगों को ना चलो ठीक है, इफ दे हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट एटलीस्ट इनको ना ये बोलते नहीं ना चाहिए, अपना काम करो यार, काम दिखाओ भाई तुमने काम क्या किया है, ठीक है. और मेरे को ये लगता है जब तू अभी जो तूने बोला ना कि जो जर्नलिस्ट था ही वाज डंबफाउंडेड और उसके पास कुछ था नहीं रिप्लाई उसको उसके लिए, तो मैं ना कभी कभार सोचता हूँ कि अगर कोई कुछ बोल भी रहा है ऐसा, तो मेरे को ना हमेशा लगता है कि व्हाई डू वी हैव दिस नीड इन अस, मतलब ना कि हमें रिप्लाई करना उसको है ना, हमें कुछ उसकी बात का आंसर देना है उसको, मतलब वो करना है ये करना है. एंड आई वाज थिंकिंग कि ना, मतलब यही होता मैं है, यही सोच होता रहा है. था कि ना इंस्टेड मैंने ऑफ देखा है कि लिसनिंग, मैं इंस्टेड ऑफ लिसनिंग आई एम जस्ट सेइंग कि ही इज राइट, ही हाँ एक्चुअली मे बी राइट, मतलब या वो बोलने के बजाय हमारे, मेरे को लगता है इट इज फर्स्ट एंड मतलब ईगो अंदर लोगों के कि दे आर लाइक दे कांट हैंडल द फैक्ट कि किसी ने उनको कुछ ऐसा बोल दिया बोल दिया और वो तो उनका वो कुछ ना जवाब वो नहीं है. एग्जैक्टली वो ना कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, उसको गुस्सा भी आ रहा था कि ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि यार हाँ कपिल मिश्रा इज मतलब बीजेपी का, तुझे पता ही है ना कौन है. हाँ हाँ मैं हाँ समझ गया. लेकिन मैं इसकी भी तो बात है हाँ और भी चीज है कि ना लोग इतना ईगो पे ले लेते हैं बात कि ना दे आर जस्ट हाँ दे डोंट फाइंड एनी वे आउट उस चीज के, है एग्जैक्टली अब ना. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेट्रो में मैं देखा है, देखा था एक मतलब एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें ना एक कोई था जो कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहा था. अब मेरा मेरे को भी लगा था मैं बोलूं, बट मैंने बोला फक इट यार, मैं मेरे को फर्क नहीं पड़ता. तो एक बंदा उठ के स्पेशली अपनी सीट ही गिव अप कर दी. मैं तो आराम से बैठा हुआ था, मैंने बोला फक इट मैं अपना गाने सुन रहा हूँ. मैं गाने सुनने लग गया और वहां पे पता नहीं लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है ना, सेंस वर्बल स्पैट हो रहा है बहुत गंदा वाला. तो मैंने फिर एक ईयरफोन मतलब ईयरफोन निकाला और मैं सुन रहा हूँ. वो पता नहीं क्या कुछ फैक्ट्स वैक्ट्स बताने लग गया वो जो तूने बंदा उठा वीडियो नहीं था बनाई भाई. उसकी, वीडियो बनाया अबे था ना, नहीं मस्त. नहीं नहीं अबे पता है क्या होता है, आज के देख टाइम में यही तो इन होता है कि वीडियो ये पहले बनती है भाई, कांड बाद में हाँ आता है, वीडियो पहले बनती है उसकी. हाँ. तो अगर तुम चलो ठीक है, अगर तुमने किसी को नीचा दिखा भी दिया अपने, उससे तो क्या क्या मिल जाएगा तुमको, मेडल मिल जाएगा क्या?